हेलो गाइस, आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो कंपाइलेशन है आपका, ये जीके के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जितने भी आज तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल में आए हैं, वो मैं आपके सारे करवा दे रहा हूँ एक ही प्लेस पे। और ये कंपाइलेशन वीडियो तो आगे पीछे हो सकती है, मतलब जैसे कि हो सकता है कि थर्ड पार्ट मैंने पहले लगा दिया हो, फिर सेकेंड पार्ट आपका या फर्स्ट पार्ट हो, उससे आपको दिक्कत नहीं लेनी। आपके जितने क्वेश्चन हैं सारे आपके कवर हो जाएंगे, और ये आपके इंक्लूड करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी टॉपिक्स आपके, इकोनॉमी हो गई आपकी, जो एसएससी सीजीएल में आते हैं, सबके मिक्स क्वेश्चंस होंगे। अराउंड 10,000 क्वेश्चंस होंगे मेरे हिसाब से, या 8,000 से 10,000 क्वेश्चंस हैं अभी तक जितने आए, उन सबकी सीरीज है। और कंपाइलेशन है वाली वीडियो होगी आपकी, सारे क्वेश्चंस आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए होमवर्क के लिए बनेंगे, और बिना ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप इतना देके चले जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि आप पेपर में 60% से अबव स्कोर कर देंगे जीके सेक्शन में, केवल इस वीडियो को देखने के बाद, मेरा ऐसा मानना है। वरना आप चाहें तो जीके, दुनिया भर की जीके आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, मैंने खुद ट्राई किया, बट कितना आप याद रख सकते हैं अगर आप इतना ही देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी में क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, खासकर अगर जीके की बात करी जाए तो जीके में और मैथ में बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इंग्लिश में भी वोकेबलरी आपकी रिपीट ही होती है, क्योंकि अब आप खुद ही सोचिए कि 1999 से 2020 तक कितने क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जो रिपीट आपके होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि 20 साल में जो चीज़ ना पूछी गई हो वो आपकी 2021 में या 2020 में आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम लोग का फोकस है, और इस कंपैरिजन में आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो एकदम कुर्सी पर पीछे बैठ जाइए और मूवी की तरह से देखते जाइए, और आपका पेपर भले ही कर लो, अगर आप केवल इतनी वीडियो देख के चले जाए तो मेरे हिसाब से आपका आपका काम बन जाएगा, बेड़ा पार लगा दूंगा आपका, ठीक है। बस भरोसा रखें, ट्रस्ट मी, और डरना कभी नहीं है जीके से भाई। जीके हमको नहीं आती तो किसी को भी नहीं आती, ठीक है ना। जीके में कोई बहुत भी तेज भी होगा ना, तो भी वो 75% से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएगा, कोई भी एग्जाम, एसएससी का हो, बैंक का हो, आई नो। और मेरा मकसद ये है कि मैं आपको इस पोजीशन में खड़ा कर दूँ कि अगर पेपर में 50 नंबर की जीके आ रही है तो आप उसमें से 30-35 ला पाएँ, ठीक है। इससे ज़्यादा का टारगेट हम लोग को है भी नहीं, और ना हम लोग के आ पाएंगे, ठीक है। इससे अच्छा हमें कि मैथ में फोकस करके उसमें ज़्यादा नंबर लें, बट इतना है जीके में कि 30-35 नंबर कैसे लाने ये आपको बता देता हूँ, और जितने क्वेश्चन हैं सब आपको एक जगह करवा देता हूँ, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। इस उम्र में वैसे भी आप लोग कहाँ कहाँ भटकेंगे अब। ओके, स्टार्ट कर देते हैं भाई जल्दी से। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट इज़ द रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो इन दोनों की रिस्पेक्ट करना फंडामेंटल ड्यूटी है ऑफ एवरी सिटीजन, ठीक है। बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो डिस्क्राइब करी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, व्हाट इज द प्रिंसिपल बाय विच कूलिंग सिस्टम इन अ मोटर कार वर्क्स। तो कूलिंग सिस्टम जो मोटर कार का होता है वो कन्वेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। कन्वेक्शन जो हीट का मोड है, इसमें आपके पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। ओके, विच रूलर एस्टैब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज। तो ये जो हुआ था ये टीपू सुल्तान ने किया था। ओके, आपको याद रखना है। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स आर इन द शेयर द कोस्ट लाइन। तो 9 ऐसे स्टेट्स हैं जो अपनी कोस्ट लाइन शेयर करते हैं, और मेरे हिसाब से गुजरात की कोस्ट लाइन आपकी सबसे बड़ी है, ठीक है। गुजरात हैज़ द बिगेस्ट कोस्ट लाइन। विच स्ट्रगल ऑफ गांधी वाज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर। तो अहमदाबाद सत्याग्रह जो आपका हुआ था ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए हुआ था। ओके, याद रख सकते हैं आप लोग। माशेलकर कमेटी क्यों आपकी एस्टैब्लिश करी गई थी, तो ऑटो फ्यूल पॉलिसी से रिलेटेड है। ओके, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावरिंग। तो फ्लोरिकल्चर जो आपका है ये फ्लावर से रिलेटेड है। ऑल राइट, ये टर्म आप याद रख सकते हैं, इंग्लिश में भी आपके काम आएगा। मिनिस्टर्स इन अ स्टेट गेट सैलरीज बाय हुम इट इज डिटरमाइंड। तो स्टेट लेजिस्लेचर आपका डिसाइड करेगा, ठीक है, कि कितनी सैलरीज मिलेगी। सिमिलरली जो आपका लोकसभा राज्यसभा होती है उसमें आपके जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं उनकी सैलरी डिसाइड होती है। ऑल राइट, अगले क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन। तो रॉक फॉर्मेशन की बात कभी भी आएगी तो आपको याद रखना कि कर्नाटका बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वॉज एसोसिएटेड विथ काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से अशफाक उल्ला आपके रिलेटेड है। सेलेक्ट द कंपाउंड इन विच क्लोरिन सोर्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्लोरिन आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट HClO4 में रहता है, ये एक ऑक्सीसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ओके, आपको याद रखना है और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हु सक्सेसफुल बुक इंक्लूड सर्किल ऑफ रीजन एंड शेडो लाइन्स। ठीक है, ये अमिताभ घोष की बुक है। ओके, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग वन ऑस्कर।
इन हाउ मेनी कैटेगरीज, तो ये पुराना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको याद नहीं रखना है. ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच प्रोटोकॉल. तो ये कार्बन क्रेडिट आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, ये आपका कायोटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है. ओके, ऑल राइट. फ्रॉम विच साइट वॉज द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली फाउंड. तो बुल सील जो आपका मिला था ये मोहनजोदारो साइट से मिला था, ठीक है. इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था ये IVC. व्हाट इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज स्प्लिट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो फोटोलाइसिस से कहते हैं. ओके, फोटोलाइसिस. प्लीज पार्डन मी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, बट इसमें PDF में तो आपको दिख ही रहा होगा साफ साफ. नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि सैलरी और अलाउंसेस जो गवर्नर जो होते हैं वो कौन से फंड से आते हैं. तो आपके कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं ऑब्वियसली, ठीक है. और जो कॉन्टिजेंसी फंड होता है उस पर किसका कंट्रोल होता है, उस पर भी गवर्नर का कंट्रोल होता है. ऑल राइट. इफ एन आइडियल गैस इज आइसोथर्मली एक्सपेंड देन इट्स इंटरनल एनर्जी का क्या होगा. अब क्या होता है कि थोड़ा सा फिजिक्स में आना पड़ेगा कि इंटरनल एनर्जी जो आपकी होती है ये प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के, मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंटरनल एनर्जी उतनी ज़्यादा. अब आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए मैं कह सकता हूँ इंटरनल एनर्जी वो भी मेरी कॉन्स्टेंट रहेगी. तो आंसर होगा आपका रिमेन्स द सेम. द डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मिनिमम इन विच एरिया. तो हॉट डेजर्ट में आपका जो होता है ये मिनिमम होता है. हु इज द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी. तो पतंजलि इसके एक्सपाउंडर है. By whom was the concept of 5-year plans introduced in India? तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये जवाहरलाल नेहरू आपके लाए थे इंडिया में, ठीक है. Which is the first national park established in India? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका पहला है. Which fungi causes green ear disease of बाजरा. All right. तो ये आपकी जो होती है इसकी वजह से होती है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनोकोला. Weird सा नेम है. What is the speed of rotation of earth? स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ आप याद रख सकते हैं 9.72 किलोमीटर पर सेकेंड. और जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ जो आपको रिक्वायर्ड होती है अर्थ प्लेनेट में वो 11 किलोमीटर के आसपास होती है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, ये दोनों वैल्यूज आप याद रख सकते हैं. पंचतंत्र किसने लिखी थी आपकी, विष्णु शर्मा ने लिखी थी. ऑल राइट. विच इज कॉम्पोनेंट बॉडी टू प्रेस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप. तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा ये सब. ओके, पार्लियामेंट्री अफेयर है. विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी. तो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आपका सेकंड लॉ में आया था. फर्स्ट लॉ की क्या थी कि एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और सेकंड लॉ ऑफ आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स की है वो एंट्रोपी को डिफाइन करती है. ओके, काइल कैनाल जो है आपका ये बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है. ओके, बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी. वाई आर इन नदर्न हेमिस्फीयर करेंट्स रिफ्लेक्टेड टू द राइट. तो ये जो आपकी कोरोलियस फोर्स है, एक मिस्टीरियस फोर्स है जो आपकी नदर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करती है, और इसकी वजह से क्या होते हैं जो आपके करंट्स होते हैं ओशनिक करंट्स ये राइट की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. ऑल राइट, कोरोलियस फोर्स बहुत बार पेपर में आ चुका है, याद रख सकते हैं आप. हु इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ एलजेब्रा. तो एलजेब्रा की खोज किसने करी थी, आर्यभट्ट ने करी थी, ठीक है. तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन करवाते हैं. हाउ इज़ द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन पोस्ट इकोनॉमिक फोरम. तो जो शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स है आपका ये इंक्रीज कर रहा है. ओके, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशन. तो जेनेटिक्स, इसमें आप हेरिडिटरी स्टडी करते हैं. विच टाइप ऑफ राइट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन. तो इट इज़ अ राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI जो आपका ये फंडामेंटल राइट है. ओके, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोट वेराइटी ऑफ डायमंड इन द वर्ल्ड. तो जाहिर ये कंट्री है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, शायद अफ्रीकन कंट्री है. बाय विच पेशवा वॉज द ट्रीटी ऑफ बसाइन साइंड विद ब्रिटिश. तो ट्रीटी ऑफ बसाइन जो है ब्रिटिश और बाजीराव सेकंड के बीच में हुई थी. ओके, याद रख सकते हैं आप लोग. इफ वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी. तो स्मॉल जी की वैल्यू है, इसमें स्लाइट चेंजेस आते हैं. तो स्मॉल जी की वैल्यू जो आपकी ये इंक्रीज कर जाती है जो आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे. ऑलराइट, विच इंग्लिश पोएट फिनिश द राइटिंग द एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट. तो पैराडाइज लॉस्ट ये आपकी किसकी बुक है, जॉन मिल्टन की. ऑल राइट, आपको याद रखना है ये नेम, इम्पोर्टेंट है. पहली आपकी टॉकी फिल्म जो थी आलम आरा थी. ओके,
वेनिस इन इटली एंड वीना इन ऑस्ट्रिया किस लिए फेमस है? तो ये ग्लास इंडस्ट्री के लिए फेमस है, और जो वीना इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल एक तो, और बहुत केमिकल इंडस्ट्रीज आप यहाँ पे, केमिकल जितने भी आपके कॉन्फ्रेंसेज हैं और आप कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर्स हैं, वो यहीं पर हैं ऑस्ट्रिया कंट्री में, और ये ग्लास इंडस्ट्री के लिए भी फेमस हैं दोनों कंट्रीज। ओके, वेनिस इन इटली एंड वीना इन ऑस्ट्रिया। फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस ये आपके राजा राममोहन रॉय हैं। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। ऑलराइट, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो आपके जो जम्मू कश्मीर गवर्नर है उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। विच सब्सटेंस इज यूज टू डिटार्ट द सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट? तो ये सब्सटेंस आपको यूज किया जाता है CaSO4.2H2O। शायोक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो शायोक को आपको याद रखना है, इट इज रिलेटेड विद इंदस, इंदस की ट्रिब्यूटरी है। गंगा की तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सबको सबके नाम आपको शायद ना बताऊं और जरूरी भी नहीं है। हु इज वेल नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एलजेब्रा? तो एलजेब्रा के फील्ड में भास्करा का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। वॉट इज इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक वर्क्स? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को ये चीज़ बोला गया है। एल नीनो करेंट अपीयर्स अलोंग द कोस्ट ऑफ विच कंट्री? तो एल नीनो आपको याद रखना है, जो एल नीनो करेंट है ये आपका पेरू कंट्री जो है, इस साल फीफा में भी खेली थी 2018 में, तो उससे रिलेटेड है। विच साइंटिस्ट स्टडीड अबाउट द वी ट्रस्ट प्रॉब्लम? तो केसी मेहता ने इस चीज़ के बारे में स्टडी करी थी। टीस्टा फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम? टीस्टा आपको याद रखना है किस बड़ी रिवर से रिलेटेड है, ब्रह्मपुत्र से, BRP। विच रूलर ऑफ विजयनगर हैड सेंड इट्स एम्बेसी टू द यूरोप ऑफ चाइना? तो बुक्कावर ने ऐसा किया था। टू हुम इज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल? तो जितने भी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं वो गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, बाय विच फोर्स कैन फैट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क? तो आपको सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस जो होता है उससे सेपरेट किया जाता है। अब ये होशू आइलैंड आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी काफ़ी बार, तो ये जापान में सिचुएटेड है। वॉट इज द नेम ऑफ वेरी वायलेंट एंड सीरियस टाइप्स ऑफ विंड्स विच ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिजास्टर? तो इनको हरिकेन कहा जाता है, आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा, हरिकेन, टाइफून्स। ओके, टाइफून कोलकाता साइड बोला जाता है। ऑल राइट, बाय हुम वाज द बहामानी किंगडम फाउंड? तो बहामानी किंगडम का हसन ने फाउंड किया है। विच बॉडी फाइनलाइजेज द 5-ईयर प्लान्स? तो आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना जब होती थी तो NDC जो आपका था ये फाइनलाइज करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, और प्लानिंग कौन करता था, नेशनल प्लानिंग कमेटी जो आपकी होती थी। हाउ मेनी नंबर ऑफ चैम्बर ऑफ फाउंड इन हार्ट ऑफ मैमल? तो मैमल, ह्यूमन भी एक मैमल होता है, तो ह्यूमन में भी 4 चैम्बर होते हैं। सिमिलरली कोई भी मैमल हो उसमें आपके 4 ही चैम्बर होंगे हार्ट में, फ्रॉग में शायद 3 चैम्बर होते हैं। ओके, मिनिमम एज फॉर बींग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 25 की एज चाहिए होती है। मिनिमम फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया है कि मिनिमम फॉरेस्ट कवर आपका 33% होना ही चाहिए, मतलब 1/3 जो आपकी लैंड है वो फॉरेस्ट से कवर होनी चाहिए, ये लैंड फॉरेस्ट की होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई बैलेंस रहे। विद सेंट रोट बिजाक? तो ये कबीर ने लिखा है। ऑल राइट, अगले क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोम, नाइट्रोलियम और केमिकल फर्टिलाइजर? तो नाइट्रोलियम जो आपका है ये नाइट्रोजन का बना होता है प्लस कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, पूरा मैंने लिख दिया क्योंकि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आया था। विच इंडियन एपिक वॉज फिल्म्ड बाय ब्रिटिश डायरेक्टर पीटर ब्रुक? तो महाभारत था, इन्होंने लिखी थी पीटर ब्रुक, ओके, फिल्म करी थी। ऑलराइट, भानु सिंगा इज द पेन नेम ऑफ विच राइटर? तो रविंद्रनाथ टैगोर का ये पेन नेम था। ओके, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन थंडरस्टॉर्म्स डेवलपमेंट? थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है आपका एटमोस्फेरिक इनस्टेबिलिटी। इन विच ईयर डिड द इंडियन नेवल म्यूटनी अगेंस्ट द ब्रिटिश टेक प्लेस? तो ये आपकी जो बात हो रही है 1945 की है। ओके, विच बैक्टीरियल कॉमनली लिव्स इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन? तो एस्किरिया कोली जो आपका है, कोली बैक्टीरिया नाम से आप याद रख सकते हैं, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स इन द पार्लियामेंट अराउंड द बेस ऑफ विस सेंसस? तो
1971 में जो जनगणना हुई थी उसके बेसिस पे अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, वाई डू क्लाउड्स क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमोसफियर? बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर। क्लाउड्स का टेम्परेचर बहुत कम होता है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ प्रसिपिटेशन। तो फॉग आपका एक प्रसिपिटेशन नहीं है। अगले क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग गाइस। वेयर वॉज अ रेजोल्यूशन टू स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट अडॉप्टेड बाई INC आफ्टर इट सेशन? तो बॉम्बे में ऐसा हुआ था। पूरेस्ट स्टेट इन इंडिया, ओडिशा आपको टिक मार के आना है। क्लासिकल डांसेस इंडिया में कितने हैं? 6 क्लासिकल डांसेस हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट हैव नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये आपको याद है एजोटो हेक्टर, ये एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। ओके, बहुत सारे होते हैं। द ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया आर कंसिडर्ड बाय विच नेम? नेग्रिटोस। ओके, चार मीनार कहाँ पर सिचुएटेड है? हैदराबाद में, सबको पता होगा। हु एक्ट्स एज अ चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी? तो आपका गवर्नर जो होता है ना वही आपका चांसलर होता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का, और वही आपको कॉन्वोकेशन के टाइम पर डिग्री प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंजीनियरिंग किसी ने किया हो तो आपको उसको पता होगा अच्छे से। वॉट आर द स्पीशीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड? तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। सेम नंबर ऑफ प्रोटोन्स आइसो प्रोटोनिक स्पीशीज, इस तरह से आइसोटोप्स और आपके आइसोटोन्स भी होते हैं। ऑल राइट, विच वॉज द प्रिंस हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ हिज फादर? तो अजात शत्रु रिस्पॉन्सिबल थे। ऑल राइट, विच यूनियन टेरेटरी इन विच यूनियन टेरेटरी पीपल ऑफ ओंग ट्राइब? तो ये ओंग ट्राइब जो है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर आपको मिलती है। ओके, और जो बैरन आइलैंड जो है एक्टिव वोल्केनो वो भी आपका अंडमान निकोबार पे ही है। ऑल राइट, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेटअप ट्रेड सी टेंटर्स ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया? तो पोर्टुगीज ने ऐसा पहली बार किया था। ग्रॉस नेशनल इनकम इज ऑलवेज मोर देन नेट नेशनल इनकम, ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। ओके, वॉट इज ग्रोन इन फील्ड बाय द प्लांटलेट? तो अनियन की बात हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो यूनियन लिस्ट में आती है। लाइन ऑन अ वेदर मैप ज्वाइनिंग ऑल प्लेस ऑफ इक्वल प्रेशर, तो आइसो बार, बार का मतलब प्रेशर होता है, आपको केमिस्ट्री वगैरह में पता पढ़ा होगा आपने। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक जीविका चिंतामणि एसोसिएटेड? तो जैनिज्म से एसोसिएटेड है। टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज ऑपरेटर टीवी सेट, तो ये कौन सी चीज यूज करती है? रेडियो वेव्स यूज करती हैं। ओके, रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी काफी कम होती है इसीलिए एनर्जी भी कम होती है। हु इज कंसिडर्ड एज त्रिमूर्ति ऑफ म्यूजिक कार्नेटिक म्यूजिक? तो मुथुस्वामी दीक्षितार को त्रिमूर्ति के नाम से जाना चाहता है। लेट गिरिलाल जैन ये जर्नलिस्ट थे। द टोर्नेडोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग इन विच सी? तो कैरिबियन सी में टोर्नेडो सबके जनरेट होते हैं। ऑल राइट, बाय हुम वर साकास फाइनली ओवरथ्रोन? तो साकास को किन्होंने ओवरथ्रो किया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, याद रख सकते हैं। साकास के बाद कौन है? सतकर्णी। हिस्ट्री का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये जो पार्थेनोजेनेसिस है, अजीब सा नाम, ये आपका ग्रेप्स में होता है। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटीज? तो माइनॉरिटीज रिलीजन बेस पे रिकॉग्नाइज करी गई हैं, जबकि करी जानी है किस चीज़ पे? इकोनॉमिक बेसिस पे करनी चाहिए, बट फिर भी रिलीजन बेसिस पे माइनॉरिटीज आपकी डिस्क्राइब करी गई हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वॉल्यूम होती है आपकी। इंटेंसिव एक्सटेंसिव का मतलब ही होता है, इंटेंसिव मतलब जो मास पे या फिर उसके साइज पे डिपेंड ना करे, एक्सटेंसिव मतलब साइज पे डिपेंड करे, तो वॉल्यूम आपका साइज पे डिपेंड करता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंथेटिक रबर एंड टायर मेकिंग सेंटर, ये एक्रॉन, ये जो प्लेस है ये रबर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा हब है, आपको याद रखना है। इट इज रिलेटेड विद रबर इंडस्ट्री एक्रॉन। इन शिवाजीज अष्ट प्रधान विच ऑफिसर लुक्ड फॉर द आफ्टर द फॉरेन अफेयर्स? तो सुमंत जो नाम का ऑफिसर सुमंत होता था, जो वो एक ऐसा ऑफिसर होता था जो फॉरेन अफेयर्स को देखता था। बहुत अलग अलग टाइप्स के ऑफिसर होते थे शिवाजी के टाइम पे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड व्हाट हैपेंस व्हेन प्राइस इंक्रीजेस? अब प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, सिमिलरली अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो डिमांड आपकी इंक्रीज कर जाएगी।
शाइनी विल्सन इज एसोसिएटेड विद विच गेम? तो एथलेटिक्स से एसोसिएटेड है। पेसमेकर जो आपका हार्ट में लगता है उसे ऐसे नोड के नाम से भी जाना जाता है। वूल की बात अगर कभी भी आपको याद होंगे, शीप ऑस्ट्रेलिया में जो डाउन्स रीजन है, डाउन्स प्लेन है, वहाँ पे बहुत सारी शीप्स हैं, तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन अगर वूल प्रोडक्शन का आएगा तो उसका विनर ऑस्ट्रेलिया ही होगा। ओके, विच एम्परर हैज़ द लॉन्गेस्ट रीन? तो सबसे लंबा रीन किसका? मोहम्मद शाह का लॉन्गेस्ट रीन था। ओके, इन विच डज द सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉल? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपकी हैं ये कंकरेंट लिस्ट में आ जाती हैं, मतलब सेंट्रल स्टेट के बीच में। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच बॉडी? तो अर्थ एंड सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब AU मान लेते हैं। बेन जॉनसन ये एथलीट हैं कैनाडा से। ओके, विच रिवर इज नोन एज इंडियाज रिवर ऑफ सोरो? कोसी नदी को रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है। वेयर डिड लिंगराज टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड? तो भुवनेश्वर की बात हो रही है। ओरिजिनेटर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया? तो नॉर्मन नेम आपको याद रखना है, ही वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ऑल राइट, द फूड मटेरियल इन फंगी इज स्टोर्ड इन विच फॉर्म? तो ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ऑल राइट, लॉटरी इज ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कम अंडर विच लिस्ट? तो ये आपकी स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। ओके, इन विच स्टेट इज जोग फॉल्स लोकेटेड? तो जोग फॉल्स आपकी कर्नाटका में। विक्रम शिला महावीरा ये रूलर थे कौन सी डायनेस्टी के? पाल डायनेस्टी के। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल ऑफ विस्टिंग? तो रस्टिंग आपका एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और ये एक स्लो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो आपको ऑक्सीडेशन याद रखना है, जंग लगना। मैक नंबर इज एसोसिएटेड विद जेट प्लेन। हाइड्रोकार्बन का नेचुरल सोर्स आपका बायोमास होता है। हाई ऑल्टीट्यूड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज ड्वार्फ ट्रीज विद विच नेम? तो FM फॉरेस्ट ये नेम आपको याद रखना है। फ्रॉम विच एज कैन आइडल वर्शिप इन इंडिया भी ट्रेस? तो प्री आर्यन एज से ये चीज, मतलब आर्यन से पाए थे उससे पहले से चलता आ रहा है। विच प्लांट ओनली प्रोड्यूस सीड बट नॉट फूड? तो साइकस प्लांट जो आपका ये ऐसा करता है। By whom is agricultural income tax assigned to state government? तो by the constitution of India. From a body moving with constant speed in horizontal circle, what remains constant? तो constant speed अगर बात आ रही है, horizontal circle है, तो आपकी kinetic energy क्या होती है? Half mv square. Mass constant है, speed constant है, तो मैं कह सकता हूँ kinetic energy मेरी constant ही रहेगी। In equatorial regions, how is the temperature between July and January? तो इक्वेटोरियल रीजन जो होते हैं उसमें जुलाई और जनवरी के बीच का टेम्परेचर सेम रहता है। ओके, अब अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में बैटल हुई थी, बहुत फेमस बैटल है, बैटल ऑफ हिपदासेस। ओके, हिदापसिस ऐसा बोलना चाहिए। ऑल राइट, इस बैटल में हुआ क्या था? अलेक्जेंडर ने पोरस को डिफीट कर दिया था। ओके, इंडिया इज सेल्फ सफिशियंट इन प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज? इंडिया मिल्क में तो बहुत आ गया यार, आपको पता है इंडिया में काउज की रेस्पेक्ट एक पर्सन की रेस्पेक्ट से ज्यादा है। ओके, विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? तो मॉरिशियस कंट्री, ये सार्क की मेंबर नहीं हो, सार्क का हेडक्वार्टर बांग्लादेश में, आपको पता होगा। इंडिपेंडेंट ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन विच प्लांट? तो फंड में ऐसा देखा जाता है। बिकॉज ऑफ विच फैक्टर क्लाउड्स डू नॉट परसिपिटेट इन डेजर्ट? इट इज बिकॉज ऑफ लो ह्यूमिडिटी, क्योंकि डेजर्ट्स में ह्यूमिडिटी इतनी कम होती है कि क्लाउड परसिपिटेट नहीं कर पाते हैं। ओके, और बारिश इसी रेगिस्तान में नहीं होती। विद सिख गुरुज स्टार्टेड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट? तो गुरु आनंद ने, अंगद ने ऐसा स्टार्ट किया था। वॉट इज द कॉन्स्टिट्यूशन नेम ऑफ अवर कंट्री? तो कॉन्स्टिट्यूशन नेम इंडिया का भारत है। ओके, इंडिया दैट इज भारत। बुलेट प्रूफ स्क्रीन में क्या यूज किया था? री इन्फोर्स ग्लास होता है, बहुत मजबूत होता है भाई। वेस्ट अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? फ्रेंच है। आपको पता होगा कि अफ्रीका में फ्रेंच लोगों ने बहुत रूल किया है, इसीलिए ऐसा है। ये क्वेश्चन आपसे वही जानना चाहता था। द एल्बिडो ऑफ विच क्लाउड इज द हाइएस्ट? तो काइरस क्लाउड का एल्बिडो सबसे हाइएस्ट होता है। फाइनेंस मिनिस्टर अंडर शिवाजी, शिवाजी के अंडर जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे उसे अमात्या, ये नेम आपको याद रखना है, फाइनेंस मिनिस्टर।
बाय विच इनकम इंडिविजुअल्स एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी असेस्ड, तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ओके, इस चीज़ से डिटरमाइन होती है लिविंग स्टैंडर्ड। चकोरी का जो पाउडर होता है ये रूट से ऑप्टेन किया जाता है, ओके, चकोरी के प्लांट आपने देखे होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये एक फंडामेंटल राइट है, ओके, और ये कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 32 में। ऑल राइट, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप कावारत्ती, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ आंध्रा कविता पितमहा, तो पिताना को टाइटल दिया गया था। थर्मल रेडिएशन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिलोंगिंग टू विच रीजन, तो इन्फ्रारेड रीजन को बिलोंग करती हैं ये वेव्स। वॉट इज कंसिडर्ड एज अ ड्रग ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर ह्यूमन बींग, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो आपका होता है बहुत हैवी ड्रग होता है, ओके, आपको याद रखना है। वॉट इज यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तो थोरियम ये जो एलिमेंट आपका ये फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। सेकेंड हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड आपकी कौन सी, के टू पर्वत जो है आपकी, इट इज सेकेंड हाइस्ट, और इसे गुडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द मेजर ऑफ इम्प्रूविंग ऑफ क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, तो फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा किया था, क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। ऑल राइट, फॉर क्रॉप डस इंडिया हैज लार्जेस्ट कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड, तो राइस आपको पता है चावल की खेती में बहुत एरिया यूज होता है क्योंकि एक एक इस तरह से बोना पड़ता है अलग अलग, हल्के से पैडी फील्ड्स होते हैं, वाटर फील्ड होता है, ओके, इसमें बहुत एरिया यूज होता है, लार्जेस्ट एरिया राइस में यूज होता है। ऑल राइट, ये आपको याद रखना है। मद्रास को रीनेम किया गया था तमिलनाडु, तो आपका मद्रास रीनेम होकर तमिलनाडु बना था, ये बात है 1969 की। इसरो भी 1969 में फॉर्म्ड हुआ था और इंसान ने पहला कदम चांद पर भी 1969 में ही रखा था। विच लॉ डायरेक्टली एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो एवोगाड्रोस लॉ आपको पता होगा, केमिस्ट्री में होती थी। विंड दैट इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, तो जियोट्रोपिक जो आपकी विंड है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। सांची स्तूपा जो मध्य प्रदेश में है बहुत फेमस है, अशोका ने बनवाया था, ओके। आफ्टर टेक्सटाइल विच इज इंडिया सेकेंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस है और झारखंड साइड भी बहुत ज़्यादा, ओके। तिलक जो बुक है किसने लिखी है, गीत रहस्य ने लिखी है। विच गैसेज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो CO2 गैस की बात हो रही है, ग्रीन हाउस गैस होती है एक। फिश के मामले में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी क्वेश्चन फिश का है तो आप मान लेना कि जापान जो है वो लीडिंग कंट्री है, ठीक है, मछली पकड़ने के मामले में। विच टेम्पल गॉट द नेम ऑफ ब्लैक पकौड़ा, तो ये सन टेम्पल को ये नेम दिया गया था। ऑल राइट, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टेचुरी बॉडी, तो आपका प्लानिंग कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं मेंशन नहीं है, ओके। स्पेस वेव्स अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, तो जो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी आपकी स्पेस वेव्स होती हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो कैरी करती हैं वो एटमॉस्फेयर से अफेक्ट होती हैं। ये बुक आपकी एना कैरिना किसने लिखी थी, लियो टॉलस्टॉय ने लिखी थी। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नोन फॉर द मैक्सिमम डर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर, हॉट डेजर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। समाचार दर्पण जी आपका किसने पब्लिश किया था, मार्शमैन ने पब्लिश किया था, ओके। विच स्टेट स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ रोड्स, तो महाराष्ट्र जो आपका इसमें सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है, मतलब टोटल किलोमीटर्स जो हैं रोड के वो सबसे हाईएस्ट है इन महाराष्ट्र। विच टाइप ऑफ सेल हैज़ द एबिलिटी टू डेवलप इनटू टाइप ऑफ ऑल, तो स्टेम सेल जो आपका है, बहुत लोग तो कैंसर को भी स्टेम सेल से ट्रीट करने का ट्राई कर रहे हैं, ओके। आर्टिकल 5 से 8 जो सिटीजनशिप आपकी है, आर्टिकल 5 to 8 मेंशन करी गई है। विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट फाउंड इन कन्वेक्शनल रेनफॉल, तो ड्रिजलिंग नहीं होती, ओके। हु वाज़ द फाउंडर ऑफ बॉयज स्काउट्स एंड सिविल गाइड्स मूवमेंट इन इंडिया, तो पोवेल फाउंडर थे इसकी। रदरफोर्ड स्कैटरिंग में क्या चीज़ पता चली गई थी, आपके न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी हुई थी, ओके। वॉट इज परमिसेबल लेवल ऑफ नॉइज इन द साइलेंट जोन इन डे टाइम, तो परमिसेबल जो नॉइज है आपकी 75 डेसिबल्स, ओके। बायोडिग्रेडेबल आइटम्स बताने आपको ये हैं, ये जो आपका बीच है कापो कबाना बीच, ये आपका रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में, ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एक। हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, तो इंडो गीक्स वर द फर्स्ट किंग टू डू सो। स्पाइस सेफ्रोन
जो आपको ऑप्टेन होता है स्टिग्मा से ऑप्टेन किया जाता है। यूनियन टेरेटरीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन विच हाउस, तो यूनियन टेरेटरीज का रिप्रेजेंटेशन बोथ हाउस में रहता है, मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा। मासेस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर यूजली एक्सप्रेस इन विच टर्म्स, तो सोलर मास ये यूनिट में एक्सप्रेस किए जाते हैं। ओके, विच हेमिस्फीयर डस इंडिया लाई, तो इंडिया आपका नदर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, रफ लोकेशन अगर आप माने तो, जैसे ये अगर आपका वर्ल्ड है इस तरह से, तो आपको पता है कि आपका इंडिया यहाँ पे है। ऑल राइट, विच आर्ट स्टाइल कम्बाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर, तो गंधार आर्ट स्टाइल में ऐसा होता है। इंडिया की इकोनॉमी कैसे, मिक्स इकोनॉमी आपको पता है। लार्जेस्ट इको सिस्टम ऑफ अर्थ, हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि आपको पता है अर्थ में 75% वाटर है, इसलिए हाइड्रोस्फीयर कहूंगा मैं। विच पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो हाइड्रोफिली, इस पॉलिनेशन को ऐसे ही बोला जाता है। लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंट बाय मार्क्स इन द अर्थ क्रस्ट, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा वेटेज है अगर बाय परसेंट मास की बात करी जा रही है अर्थ की क्रस्ट में। तो वो वॉज अ मीडिएटर बिटवीन मैन एंड गॉड्स अकॉर्डिंग टू वैदिक पीपल, तो अग्नि जो थे ही वॉज अ मीडिएटर, अग्नि मतलब फायर। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द रेसिडुअल पावर्स रेस्ट विच विद गवर्नमेंट, तो रेसिडुअल पावर्स आपकी यूनियन गवर्नमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर चारकोल एंड सल्फर कोल, तो ये जो होता है ये मिक्सचर आपका गन पाउडर के नाम से फेमस है। ठीक है, गन पाउडर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं पेपर में कराए, तो क्या होते हैं आपके, पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर चारकोल और सल्फर। विद रेफरेंस टू इंडियन डिफेंस, व्हाट इज लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है पायलटलेस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। शॉर्टेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया आपका जून 21। टू विच एज द पेंटेड ग्रे वेयर बिलोंग्स, तो ये वैदिक एज से रिलेटेड है। ओके, देखिए विच इज द इंडियाज ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट, तो टिस्को जो है आपका टाटा स्टील, ये आपका जमशेदपुर में ये ओल्डेस्ट है। ओके, बेलाडोना मेडिसिन इज ऑप्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ अट्रोपा बेलाडोना, तो ये लीफ से ऑप्टेंड होती है मेडिसिन। टू हुम डज यूपीएससी सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट, तो यूपीएससी आपकी होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर जो आपका इसको सबमिट करती है अपनी रिपोर्ट। विच सिटी इन इंडिया नेवर एक्सपीरियंसेस वर्टिकल रेज ऑफ सन ड्यूरिंग नून, तो दिल्ली की में ऐसा कभी नहीं होता है। बाय हुम वाज जजिया इंट्रोड्यूस, तो जजिया जो टैक्स था शायद ये अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। वाई इज वेटलेसनेस एक्सपीरियंसेस इन स्पेसशिप, ये होता है ग्रेविटी की ना होने की वजह से। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये आपका 1975 में आया था, ये आपको नहीं देखना कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया की ज्यादातर रेनफॉल जो है ये साइक्लोनिक होती है। ओके, बाय हुम वाज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, तो आगरा से दिल्ली आपकी कैपिटल किसने शिफ्ट करी थी, शाहजहां ने करी थी। ओके, और शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया था। विच प्लांट प्रोड्यूसेज अ सीड बट नॉट फ्रूट, तो साइकस प्लांट आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूनियन है सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज विच कंट्री, तो ब्रिटिश मोनार्क के सिमिलर होती हैं जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है। ओके, हु इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ बायोगैस, वॉट इज विच इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट, तो मीथेन आपका जो होता है ये एक मेजर कॉन्स्टिट्यूंट है बायोगैस का, CH4। विच ग्रासलैंड डज नॉट सपोर्ट एनी ट्रीज, तो स्टेपिस ग्रासलैंड है। चालको लिथिक एज कॉपर स्टोन एज, ये दोनों सेम है। ओके, विच इंडस्ट्री इन इंडिया इज वर्स्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ पार्टीशन, तो पार्टीशन की वजह से जो आपकी जूट और कॉटन इंडस्ट्री थी इसको बहुत बड़ा झटका लगा था जो विभाजन हुआ था उस टाइम पे। ओके, विच इज प्रोड्यूस बाय रिवर एक्शन, रिवर वाटर एक्शन, तो ये जो फॉर्म हो जाती है गली, ये रिवर वाटर एक्शन की वजह से फॉर्म होती है। ओके, विच ओर कंटेन्स बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो डोलोमाइट जो आपका ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक ओर है। ओके, विच इज द ग्रेटेस्ट, वेयर इज द ग्रेटेस्ट एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन, तो फिलीपींस में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, आप ये मान के चल सकते हैं एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात अगर करी जा रही हो तो। अल बेरूनी ये जो थे ये मोहम्मद गजनबी के टाइम पे थे। ओके, द राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, तो राज्यसभा में मैक्सिमम आपके 250 मेंबर्स हो सकते हैं।
बेस्ट एंड पुअरेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो ये आपसे पूछेंगे, ये आपके गिवन है। फ्रॉम विच सेक्टर डज द हाईएस्ट सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक, तो आपको हाउस होल्ड सेक्टर से सेविंग्स की अगर बात हो रही तो आता है। लार्जेस्ट क्वेश्चन गुजरात की आपको बता चुका हूँ मैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन द प्रोविजन ऑफ विच एक्ट, तो ये 1833 का एक्ट था, इसके अंडर ऐसा हुआ था। सर्वोच्च सम्मान आपका लिटरेचर के लिए दिया जाता है। इन ड्राई रीजन्स द लीफ साइज ऑफ अ ट्री बिकम्स स्मॉलर, वाई? क्योंकि ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाता है इसलिए। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इन द स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट के अंदर आपके 66 सब्जेक्ट हैं टोटल। शिवा सुद्रम सुंदरम फॉल्स जो आपके, समुद्रम फॉल्स जो आपके, ये कावेरी नदी पर बिल्ड है। ओके, विद रेफरेंस टू रिवोल्ट ऑफ 1857, हु लेड सीज टू झांसी इन मार्च 1858, तो ह्यू रोज होते इन्होंने जो झांसी में जो रिवोल्ट हो रहा था उस पर रोक लगा दी थी। विच मैटर इज नॉट अट्रैक्ट बाई एनवायरमेंट, तो गोल्ड आपको पता है लोग वियर करते हैं इसीलिए ऐसा होता है। फर्स्ट नोबेल प्राइज टू एन इंडियन, विच बुक ब्रॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज टू एन इंडियन, गीतांजलि किसने लिखी थी। वाई हैज द पर कैपिटल इनकम बीन लो इन इंडिया, इट इज बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज कर रही है भाई इसीलिए ऐसा हो रहा है। छिलका लेक लाइज इन द डेल्टाज ऑफ विच रिवर्स, तो छिलका लेक रीजन जो है आपके महानदी में और जो गोदावरी है इसके डेल्टा पे लाई करता है। ओके, धोंडू प्लांट इज बेटर नोन एज विच नेम, तो नाना साहेब धोंडू पंत इज बेटर नोन एज विच नेम, तो ये इस नेम से जाने जाते हैं। रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी इज, ये लिवर ऑयल आपको बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट इज बेस्ड ऑन विच स्कीम, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आपका आया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी से कहते हैं, इस पे बेस्ड है 1935। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास इट एक्सपीरियंसेस चेंज इन विच थिंग्स, तो फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहती है, बस आपको याद रखना बाकी सब चीज़ चेंज हो जाती है। ठीक है, वी बराबर न्यू लैम्डा आपका होता था, इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है बाकी सब कुछ चेंज हो जाता है। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन, हुज आइडियाज इज इन्फ्लुएंस्ड महात्मा गांधी थॉट, तो महात्मा गांधी के जो विचार थे वो टॉलस्टॉय के आइडिया से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। वेयर डिड इंडिया विन फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड, तो एम्स्टरडेम में ऐसा हुआ था, लंदन। फीफा वर्ल्ड कप 2018 किस कंट्री में होना है, रशिया में होना है, होना क्या हो भी चुका है, और कौन सी टीम जीती थी किसी को याद है, फ्रांस जीती थी। फाइनल किससे हुआ था, फाइनल आपका हुआ था क्रोएशिया से, आपका फाइनल हुआ था। ओके, क्रोएशिया, और क्रोएशिया हार गई थी, बहुत बुरा लगा था लोगों को, और फ्रांस आपकी जीत गई थी। ओके, लुका मॉड्रिच आपके क्रोएशिया के प्लेयर हैं, मबापे फ्रांस में मबापे था, और गिरूड, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे फ्रांस की टीम में। ओके, पॉल पोग्बा, विच विटामिन इज सिंथेसाइज इन द बॉडी बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, तो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया बॉडी में हमको विटामिन के बनाता है। विच रीजन एक्सपीरियंसेस थ्री क्रॉपिंग सीजन्स फॉर राइस इन इंडिया, तो राइस बोल ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं, इसे राइस बोल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, तो ब्रह्मपुत्र वैली है। विथ रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल विच इवेंट अकर्ड अर्लीस्ट, तो लखनऊ पैक्ट आपका जो था ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले हुआ होगा। विच वॉज द कैपिटल ऑफ आंध्र स्टेट वेन वॉज मेड सेपरेट स्टेट इन 1953, तो 1953 में आपका एक सेपरेट स्टेट आपका बन गया था आंध्र, ठीक है, 1956 में शायद आंध्र प्रदेश बन गया था। ओके, और तब उस टाइम कैपिटल कौन सी थी आपकी, करनौल, अभी भी काफ़ी फेमस सिटी है। विच कोलोइडल सॉल्यूशन इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में आपका सिल्वर सॉल्ट्स यूज किए जाते हैं, और टू बी प्रिसाइज सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफिक प्रॉपर्टीज इनकी अच्छी होती हैं, सिल्वर ब्रोमाइड हो सकता है, फिर सिल्वर क्लोराइड भी आपको ऑप्शन में आ सकता है। इन इंडिया इन विच सेक्टर वॉज अ कोऑपरेटिव मूवमेंट इनिशिएटेड, तो आपका एग्रीकल्चर क्रेडिट में हुआ था। विच पेयर ऑफ स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन इंडिया, तो आंध्र प्रदेश और गुजरात आपके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं टोबैको के। ओके, द पदी त्रुपुतु इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स प्रेज ऑफ विच किंग, तो किंग चेरा, इनके प्रेज में ये पोएम्स लिखी गई थी। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछ रहे कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है।
विच टाइप ऑफ लाइट्स आर स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स? सो ब्लू और रेड अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द बायोडीजल मिशन, तो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री कर रही है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, वेयर आर डीजल लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में आपका होता है। सिल्वर कॉइन्स इन द गुप्ता पीरियड वर नोन बाय विच नेम? तो रुपया के नाम से, रुपयाका के नाम से जाने जाते थे। व्हेन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन? तो उसे क्या बोला जाता है? परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और इसमें मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर्स ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल? एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर आपका लंदन है, पता होगा आपको। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इनका रेशियो जो होता है आइडियल, वो आपको 4:2:1 होना चाहिए। ऑन विच डेट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन ऑब्जर्व? तो 4 जुलाई को होता है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। ऑल राइट, विच स्ट्रक्चर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई एम्परर अकबर इन फतेहपुर सीकरी? पंचमहल अकबर ने बनवाया था कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। ओके, पंचमहल। विच ऑर्गेन ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल? तो फैट से कोलेस्ट्रॉल कौन सा क्या बनाता है? लीवर बनाता है आपका। ओके, बाय हुम इज द सैलरी एंड प्रीक्विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिसाइडेड? तो ये आपके पार्लियामेंट में डिसाइड होते हैं। ऑल राइट, ऑब्वियस सी बात है, और कहाँ होंगे इसके अलावा? ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर विच एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल? तो जाइमेस जो आपका ये एंजाइम है, ये कन्वर्ट करता है। ऐसे बायोलॉजिकल क्वेश्चन है। लेटिट्यूड ऑफ अ प्लेस एक्सप्रेसेज इट्स एंगुलर पोजिशन रिलेटिव टू पॉइंट ऑफ विच रिलेटिव टू इक्वेटर? फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ मुगल पीरियड, तो अब्दुल रहीम थे आपके, फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ मुगल पीरियड। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किस चीज से रिलेटेड है? आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। विच ह्यूमन ऑर्गेन इज मोस्ट ससेप्टेबल टू हार्मफुल रेडिएशंस? लंग्स आपके सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं ऑब्वियसली। पिचर को पिचर प्लांट मतलब जो मॉडिफाइड पार्ट होता है आपका, लीफ होता है, वहीं पे इंसेक्ट आपके फंसते हैं। हु इंट्रोड्यूस द टर्म एंटी साइक्लोन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो एफ गाल्टन ने टर्म पहली बार दिया था एंटी साइक्लोन का। विच डिस्टिंग्विशेस द हड़प्पन फ्रॉम द अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की खासियत ये थी कि इसमें जो आपकी प्लानिंग थी, कंस्ट्रक्शन जो आपका जितना भी था, आर्किटेक्चर और जो ड्रेनेज स्पेशली, ये एकदम हटके था, मतलब वो उस टाइम के हिसाब से बहुत आगे था। ये चीज़ अलग थी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। ओके, मूवी भी बनी है इसके ऊपर शायद एक। वॉट अबाउट मिनिस्ट्री इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर? तो मिनिस्ट्री अभी डिजोल्व हो जाती है सारी, पता होगा आपको। अब आपको बोला जा रहा है टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर डिग्री ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हाउ मेनी फेरानाइट? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको कन्वर्जन आना चाहिए इसके लिए। ठीक है, फेरानाइट को डिग्री सेल्सियस को फेरानाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैथ लगाएं, कुछ भी लगाएं। अब देखिए, इसके लिए मैं बताता हूँ आप क्या कर सकते हैं। आपको ये पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 32 फेरानाइट। सिमिलरली आप 25 डिग्री सेल्सियस निकाल लीजिए कितने फेरानाइट होगा। अगर आपको नहीं आता तो मैं बता दूँ, 25 डिग्री सेल्सियस जो आपका होता है, इसकी कन्वर्ट करने का होता है मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 और ऐड 32, ये आपको करना होता है। ठीक है, तो इसे आप करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5 से गया तो 5 9 45 + 32 मतलब कि 77। आपको देखने के 77 और 32 में कितने का अंतर है, तो आपको पता चला 77 - 32 इज इक्वल टू 45। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, 45 फेरानाइट। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको शायद ये ना पता हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आया तो मेरे को बताना आपका फर्ज है। हालांकि इसे याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और अब नहीं आएगा ये, आ गया आएगा तो और गलती से आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना। पार्टिसिपेटरी नोट्स पीएनएस आर एसोसिएटेड विद विच इन्वेस्टर्स? तो फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टर, पहले आपको बता चुका हूँ मैं। वाई डू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नॉट अकर टू द इक्वेटर? बिकॉज ऑफ वीक कोरोलियस फोर्स। मैंने आपको बताया था ये जो कोरोलियस फोर्स है,
ये आपकी बहुत क्रूशल है, और ये इक्वेटर पे इसलिए नहीं होते हैं वाले साइक्लोन्स क्योंकि यहाँ इक्वेटर पे वाली फोर्स बहुत कम होती है, ठीक है। हम लोग को इसके बारे में इतना नहीं पता क्योंकि हम लोग की कंट्री कहीं ना कहीं इक्वेटर के काफ़ी पास है। वॉट वॉज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सील इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो सील का जो सिंबल होता था वो होता था टू सिग्निफाई ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ओके। एनोस्मिया क्या होता है आपका? लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल की कैपेबिलिटी आपकी चली जाती है स्मेल करने की। एंटोमोफाइल पॉलिनेशन अकर्स विद हेल्प ऑफ विच क्रिएचर्स? तो इंसेक्ट्स आपके जो होते हैं उसकी वजह से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम ये टर्म देते हैं। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? तो नागालैंड जो आपका है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। विच रिवर डज नॉट फॉर्म एनी डेल्टा एट इट्स माउथ? तो तप्ती और नर्मदा दो नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगिरा? तो पहले आपको याद रखना है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी आपकी ये कहाँ हुई थी? राजगिरा में। और ये किसने बुलाई थी? महाकसपा ने, ओके। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ऑल राइट। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर लगा देता हूँ, उनको आप खुद से देख लीजिए, उनको आप होमवर्क की तरह ले सकते हैं, आप वो खुद से कर लीजिए, उनको एक बार नज़र माननी हो जैसे मैंने आपको बताया कैसे कैसे करने होते हैं। देखना है वैसे, एक बार याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, जितना ज़्यादा याद करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा भूल जाओगे, ठीक है। बस एक बार नज़र मान लीजिए, जितने आप याद हो रहे हो उतने ठीक है, बाकी मैं आपको करा देता हूँ, ओके। हेलो गाइस, तो जैसा आप लोग को पता है कि हम लोग की जीके की सीरीज चली और हम लोग अराउंड 4000 क्वेश्चंस उसमें पहले से ही कर चुके हैं और इतने ही शायद हमको और करने हैं, मतलब आधे से ज़्यादा हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है, अब बाकी का और हम लोग को कंप्लीट करना है। अब इसमें क्या है कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सब मिक्स क्वेश्चन हैं, जैसे आपके पेपर में एज इट इज आते हैं, सेम आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड व्यू से हैं ये, ओके। जैसे आपकी उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी से पॉलिटी ये सब आपकी मिक्स आती है, सिमिलरली मैं आपको मिक्स पैटर्न में करा रहा हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके इस वीडियो से सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको भी पता है कि अगर एसएससी का एग्जाम है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पूरा रिपीट होना है, या फिर आप कह सकते हैं कि 60 to 70% जो आपका पेपर होगा वो यहीं से रिपीट होगा कुल मिला के, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसी की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा सेटअप में चेंज है आज, क्योंकि आज मैंने नंबर वन नोट में यूज़ किया है क्योंकि इसमें थोड़ा ईजी पड़ेगा मेरे लिए,
ठीक है, तो राइटिंग की थोड़ी दिक्कत आ सकती है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी जीके के क्वेश्चन से ज़्यादा आपको बस रिलैक्स होकर वीडियो देखनी है, पूरी लंबी वीडियो आपको पता है 2 घंटे की होगी करीब, और ऐसे 2 पार्ट ऑलरेडी पड़े हुए हैं और मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ठीक है, ड्यूरिंग हुज प्लेजर डज द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। तो प्रेसिडेंट के अंडर ओथ लेनी पड़ती है, इस तरह से कुछ रहता है। बाई विच बैंक आर द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस ऑफ इंडिया, तो आरबीआई है, बैंक ऑफ ऑल द बैंक्स। सचिन तेंदुलकर का टेस्ट डेब्यू कब होता है, 1989 में होता है। ओके, आपको याद रखना है। विच कवर द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, तो जो टेम्परेट कॉन्फीरियस फॉरेस्ट हैं ये सबसे ज़्यादा है। ओके, नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कौन से टेम्पल में ऑब्जर्व किया गया है, तो ये क्वेश्चन अगर आपका आता है पेपर में तो आपको कौन सा मानना है, ये वाला जो टेम्पल है बृहदेश्वरा टेम्पल इन थंजावुर। ओके, आपसे पूछा जा रहा कौन सा ऐसा नॉन मेटल है दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ब्रोमीन आपका है, ब्रोमीन वो वाटर होता है। ठीक है, ब्रोमीन वाटर। ऑल राइट, हु डिस्कवर्ड एनोफिल्स मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया, तो जो फीमेल एनोफिल्स आपका मॉस्किटो होता है वो ट्रांसमिट करता है मॉस्किटो, जो मेल वाले कैटेगरी होती है वो नहीं करती है, और ये डिस्कवरी करी थी आपकी रोनल रॉस ने। ओके, ये पर्सन ने। अगले क्वेश्चन देखते हैं, फास्टेस्ट गोइंग ट्री आपको कौन सा, यूकेलिप्टस का पेड़ होता है। यूकेलिप्टस का पेड़ बहुत पानी की खपत करता है, आपको भी पता होगा बहुत सारा पानी पी जाता है। बाय विच रूलर वॉज द न्यू एलिमेंट ऑफ गोपुराम एनकरेज इन टेम्पल्स इन साउथ इंडिया, तो चोलास, साउथ इंडिया का क्वेश्चन है तो आप चोलास आंसर मार सकते हैं। चंडीगढ़ किसने डिजाइन किया था, तो ली कॉर्बूज़िए ने चंडीगढ़ डिजाइन किया था। ओके, याद रख लीजिएगा, राइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब है तो प्लीज एडजस्ट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपका मुंबई में, पता होगा आपको। विच लॉ इज ऑब्जर्व्ड इन्वॉल्व इन द क्लीनिंग ऑफ अ कारपेट बाई बीटिंग द डस्ट, तो फर्स्ट लॉ मोशन, क्योंकि क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट, इसी तरह से आपको फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, वो उसमें आपको याद नहीं रखना है, बट इनर्शिया से रिलेटेड है, आप इतना याद रख सकते हैं। इनर्शिया क्या होता है फिजिक्स में आपको समझना पड़ेगा, कि जो चीज़ रेस्ट में वो ये इसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो रेस्ट में ही रहे, और जो चीज़ मूवमेंट में वो चाहती है कि वो मूवमेंट में ही रहे। ठीक है, ये इनर्शिया होता है आपका, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपकी इनर्शिया को डिस्क्राइब करती है। ओके, ये भी हो सकता है आपका क्वेश्चन आ जाए कल को। सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपकी पूछी कौन सी कंट्री की है पॉपुलेशन की, तो सिंगापुर में बहुत डेंसिटी है पॉपुलेशन की। ओके, हु लॉस्ट हिज किंगडम इन हिंदुस्तान बट रिट्रीव्ड इट आफ्टर 15 ईयर्स, ऑब्वियसली हुमायूं की बात हो रही है, क्योंकि जो 1540 से 55 का पीरियड था उसमें इंडिया पे किसी और का कंट्री था, ये मुगल रूल के बीच में ऐसा हुआ था कि हुमायूं को डिथ्रोन कर दिया गया था। ओके, हु डिस्कवर्ड द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ डिसीज एंथ्रेक्स, तो रॉबर्ट कॉच ने डिस्कवरी करी थी। कैबिनेट मिशन किसने हेड किया था इंडिया में, तो पैथरिक लॉरेंस जो ये पर्सन थे। कैबिनेट मिशन जो आपका आया था शायद 1942 थी डेट, या फिर क्या थी, 1946 थी शायद, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बट पैथरिक लॉरेंस उसके हेड थे। ओके, ये मेरे को पता है। हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो ये वर्ड्स जो हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं। ओके, विच कंट्रीज सिचुएटेड जियोग्राफिकली इन अमेरिका बट पॉलिटिकली अ पार्ट ऑफ यूरोप, तो ग्रीनलैंड जो है ना ये है तो अमेरिका में जियोग्राफिकली बट इट इज़ अ पॉलिटिकल पार्ट ऑफ यूरोप, तो आप मान सकते हैं ग्रीनलैंड मतलब अमेरिका प्लस यूरोप, इस तरह से मतलब दोनों का थोड़ा थोड़ा इसमें ग्रीनलैंड का हिस्सा है, ग्रीनलैंड दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। बाय हुम वाज़ द कॉइन रुपया फर्स्ट इशूड, तो कॉइन आपका शेर शाह सूरी ने सबसे पहले बनाया था। एमिनेंट पेंटर आपसे पूछा गया, तो सरादो के ऑप्शन के हिसाब से आप इसमें मारा होगा। कोलोइडल सॉल्यूशन इज यूज एज जर्म किलर, तो कोलोइडल सल्फर जो होता है आपका ये जर्म क्लीनर होता है। ओके, कोई याद रखना है। इंसेक्टिवरस प्लांट कौन सा, पिचर प्लांट, इसमें क्या होता है जो आपकी लीव्स होती हैं इस शेप में, तो जैसे इंसेक्ट आगे यहाँ बैठता है तो वो लीव्स आपस में क्लोज हो जाती हैं और इंसेक्ट इसमें ट्रैप हो जाता है, इंसेक्ट का सारा जूस निकाल देती हैं वो। ओके, विच इज द नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, तो चंबल नदी आपकी नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है। हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, तो सर जॉन लॉरेंस की पॉलिसी थी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे, बीएन राव थे, पहले बता चुका हूँ आपको। विच पब्लिक सेक्टर बैंक एम्बेल्स एम्बलम फिगर्स और डॉग एंड बर्ड्स फेथफुल फ्रेंडली, तो ये सिंडिकेट बैंक जो है
इसका मोटो है और ये उसके सिंबल में ऐसा होता है। ओके, सिंडिकेट बैंक में यामिनी कृष्णमूर्ति अकॉम्प्लिश्ड एक्सपोनेंट ऑफ विजनेस। तो यामिनी कृष्णमूर्ति आपकी भरतनाट्यम से रिलेटेड है। ओके, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, हालांकि पुरानी चीज़ें हो सकता है दोबारा रिपीट ना करें। कावेरी नदी कौन से स्टेट में फ्लो करती है? तो कर्नाटका से तमिलनाडु। ओके, कर्नाटका टू तमिलनाडु याद रखना है आपको। ऑल राइट, द फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ विच गवर्नमेंट। तो पहला सेंसस जो होता है ना आपका, सेंसस हर 10 साल में एक बार होता है, आपको पता होगा। जैसे 2021 में आपका सेंसस होने वाला है दोबारा, और सबसे पहले स्टार्ट किया था तब कौन थे? आपके लॉर्ड मायो। ऑल राइट, अगले क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि एक्टिविटी जो रिडक्टिव होता है, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट आपसे पूछ रही है, तो बैकरल होती है। ठीक है, ओके, क्यूरी भी होती है रेडियो एक्टिविटी की यूनिट। आपसे अगर ऑप्शन में दिखे तो क्यूरी भी आप मार सकते हैं। बिटवीन विच सेट ऑफ ब्लड ग्रुप्स इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल? तो ए और ए बी के बीच में पॉसिबल है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, तो वो कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखने, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली यूनियन टेरेटरी दैट हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। तो दिल्ली हाई कोर्ट आपने बहुत नाम सुना होगा न्यूज़ वगैरह में, तो दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरेटरी जिस पर अपना खुद का हाई कोर्ट है। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ पे होता है? तो केपटाउन रीजन जो आपका साउथ अफ्रीका में, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट होता है वहाँ पे। अंडर हुज गाइडेंस वाज द कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रे एंड पिटिशन अल्टीमेटली केम टू एंड? तो लाला लाजपत राय के अंडर ऐसा हुआ था। इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, यूएन आपका इसे ऑर्गेनाइज करता है, तो ये आपका 27 जनवरी आपको याद रखना है, इस डे पे होता है। ओके, विच बैंक गिव्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू द फार्मर्स? तो लैंड डेवलपमेंट बैंक जो आपकी LDB, ये फार्मर्स को लोन देती है लंबे समय के लिए। मेडिसिन आर मोस्ट इफेक्टिव वेन दे आर यूज इन विच स्टेट? कोलोडल स्टेट। कोलोडल स्टेट में मतलब पानी में घोल के जब ली जाती हैं तब मेडिसिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ओके, कोलोडल स्टेट में। कोलोडल सॉल्यूशन क्या होता है वो अलग टॉपिक है आपका। वेयर इज द एक्सप्रेशन ऑफ अर्लीस्ट वॉल्केनिक एक्टिविटी इन इंडिया फाउंड? तो अर्लीस्ट वॉल्केनिक एक्टिविटी की इन इंडिया की अगर बात हो कभी भी, तो आपको आंसर मार के आना है डालमिया हिल। ओके, वेयर डिड इंडियन नेशनल आर्मी केम इन टू एग्जिस्टेंस? इंडियन नेशनल आर्मी सिंगापुर में एग्जिस्टेंस में आई थी। अमीनो एसिड एक इंसान के अंदर कितने होते हैं? 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर आपका 12 जून को होता है। ओके, 12th ऑफ जून। विच एक्टिव वॉल्केनो इज नोन एज लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी? इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर आपका स्ट्रोम्बॉय। तो ये स्ट्रोम्बॉय वॉल्केनो जो है, इट इज नोन एज लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। हु शॉट हिमसेल्फ इन अ शूटिंग एनकाउंटर इन अलाहाबाद? तो चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा किया था ताकि उन्हें अंग्रेज की गोली से ना मरना पड़े, इसीलिए। हु इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज एटोमिक बॉम्ब? तो इंडियाज एटोमिक बॉम्ब में इनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है, राज रमन का। ओके, क्रिच ऑफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ विस्टिंग? तो एनर्जी पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड। ओके, याद रख सकते हैं आप लोग, किरचॉफ का करंट लॉ है, वोल्टेज लॉ भी। ओके, बाय विच इज द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू ह्यूमन आई कंट्रोल? तो आयरस जो होता है ना, आई की ओपनिंग होती है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। अगर लाइट बहुत ज्यादा है, जैसे सनलाइट की तरफ अगर आप डायरेक्ट देखेंगे, तो जबकि आयरस है वो अपने आप स्मॉल हो जाती है ताकि कम लाइट एंटर करे आपकी ह्यूमन आई में। ऑलराइट, इन विच कंट्री इज बराइल रेंज लोकेटेड? तो बराइल रेंज आपके इंडिया में, नाम आपने सुना होगा शायद पहले से। हु इज नोन एज तूती ई हिंड, द पैरट ऑफ इंडिया? तो आमिर खुसरो को ऐसा कहा जाता था। ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेचुरल इमरजेंसी विच आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड? तो ये आपके आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो राइट्स हैं, ये नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी आपके सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ओके, एक रुपये के नोट जो होते हैं उस पर किसका साइन होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का होता है, और ये करेंसी को रेगुलेट करने के लिए निकाले जाते हैं। ओके, विच वॉज द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार इन इंडिया नॉमिनेटेड टू राज्यसभा? तो नारगिस दत्त आपको पता होगा, बहुत ही फेमस थी। ये सब कुछ चीज़ें आपको इसमें से पहले से ही पता होंगी, आई होप। ब्रॉडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ
की बात हो तो गुजरात इसका आंसर है, और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की अगर बात हो तो भी शायद मेरे हिसाब से शायद गुजरात ही आंसर होता है। विच वॉज द शेख गुरु टू बी स्लॉटर्ड बाई औरंगजेब, तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का असैसिनेशन किया था। विच इज द कंपाउंड इन दैट ऑक्सीजन ऑक्सीजन शोज प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन के बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, कॉमन तो आपका प्लस टू ही होता है जबकि प्लस थ्री भी हो सकता है, लेकिन जो एफ टू है इसमें आपका प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। ओके सॉरी, ऑक्सीजन का माइनस टू बहुत ज़्यादा होता है बट इसमें आपका प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट से दिखाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वाई इज जेनेटिक डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स थ्रेटेंड, तो इट इज थ्रेटेंड बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव इंटरक्रॉपिंग। एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा नॉमिनेटेड इन टर्म्स ऑफ विच आर्टिकल, तो एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो है तो उनकी एक लिमिटेड चीज है कि दो एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होने ही चाहिए लोकसभा में, दे आर नॉमिनेटेड, और ये चीज लिखी गई है 331 आर्टिकल में, इस आर्टिकल में ये चीज लिखी गई है। सिमिलरली राज्यसभा में कुछ मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, द हैवियस्ट डेलीगेट्स नेम्ड सीमा, इसका मतलब होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ये क्रस्ट में इसकी बहुत हाई परसेंटेज होती है क्रस्ट में। ओके आपको याद रखना क्रस्ट में आपका एल्यूमिनियम भी बहुत ज्यादा होता है और ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा होता है। विद विच पीरियड डू वी एसोसिएट एसोसिएट द माइक्रोलिथ इंप्लीमेंट, तो माइक्रोलिथ इंप्लीमेंट जो आपके मेसोलिथिक पीरियड से रिलेटेड है। ओके हु वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो पहले जनरल सेक्रेटरी आपके दादाभाई नौरोजी थे। ओके इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात अगर हो रही है तो फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश इंडिया, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपकी थी, ये पहली बैंक थी जो इंडिया में आई थी। बहुत लोग सोचते हैं कि पीएनबी जो है वो ओल्डेस्ट बैंक है बट ऐसा नहीं है। ओके ओथ बैंक शायद एक थी, ओथ कॉमर्शियल बैंक, इट वॉज द फर्स्ट वन टू कम इन इंडिया, हालांकि मैं गलत हो सकता हूँ बट मेरे हिसाब से ये ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो आपका होता है ना वो साउथ से नॉर्थ पॉइंट करता है। ऑलराइट डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर नहीं होती। वेक्टर और स्केलर के बीच बहुत डिफरेंस होता है, बताने की जरूरत है नहीं। हाउ मच डिस्टेंस इज द अर्थ एनुअल सर्किट राउंड द सन कवर, तो ये जो डिस्टेंस होता है आपका 966 मिलियन किलोमीटर्स है, चाहे तो याद रख सकते हैं वरना इतना जरूरी नहीं है। विच एनिमल हेड द स्टोन एज पीपल फर्स्ट, तो शीप सबसे पहले होती थी। इंसेक्टिवरस प्लांट्स जनरली ग्रो इन सॉइल विच इज डेफिशिएंट इन विच गैस, तो इंसेक्टिवरस प्लांट अगर आपको उगाना है तो उसके लिए आपके पास ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम हो। ओके फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन दस द अमेंडमेंट प्रोसीजर ले डाउन इन इंडिया, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट का प्रोसीजर, ओके ये आपका कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके और जो कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का वो शायद साउथ अफ्रीका से लिया गया है। वॉट इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट हु वॉज इलेक्टेड अनअपोज, तो ये आपके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ही वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड। वेयर आर द हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड जनरली फाउंड, हॉर्स क्लाइमेट होगा शायद, द हॉर्स लेटिट्यूड, जो आपका हॉर्स लेटिट्यूड है इसमें आपके वर्ल्ड के हॉटेस्ट डेजर्ट पाए जाते हैं। हॉर्स लेटिट्यूड ये टर्म आपको याद रखना है, दिस इज रिलेटेड विद डेजर्ट्स। डेजर्ट माने वो नहीं जो खाने के बाद खाया जाता है, इट इज मतलब रेगिस्तान। हु वर द फर्स्ट टू एट्रीब्यूट कॉइन्स टू द किंग्स, तो इंडो ग्रीक्स ने पहली बार किया था, ये आपको याद नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं है। विच कंपाउंड कैन बी यूज एज नाइट्रोजन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, तो HNO3 आपका अच्छा फर्टिलाइजर होता है। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड तो वेरी करता रहता है 7.5 से 8, हालांकि 7.4 भी ऑप्शन में आपको दिख सकता है तो वो भी मार सकते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है। विच एनवायरमेंट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मैनग्रोव स्वैम्प, तो टाइडल फ्लैट एनवायरमेंट सपोर्ट करता है। विच स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, तो खरोस्ती जो आपकी है ये लिखी जाती है इस तरह से। बाय विच अमेंडमेंट हैज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, 69th अमेंडमेंट में ऐसा हुआ था। ओके प्लानिंग कमीशन का टास्क क्या होता था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन अब तो शायद हट गया है, अब फाइव ईयर प्लान्स आपके यहाँ बंद हो गए हैं, इसका काम होता था प्रिपरेशन ऑफ द फाइव ईयर प्लान। ओके व्हेन इज इंटरनेशनल टॉक लाइक अ पायरेट डे इज ऑब्जर्व, तो सितंबर 19 में ऐसा होता है, 19 सितंबर को। ओके लार्जेस्ट रिवर आपकी अमेजोन है,
हु वॉज नोन एज आंध्र भोजा, तो कृष्ण देव राय को बोला जाता था ऐसे। इन अ सितार वायर विच टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज ऑब्जर्व, तो स्टेशनरी ट्रांसवर्स वाइब्रेशन आपके होते हैं। ओके सितार वायर जो होता है उसमें कौन से वाइब्रेशन होते हैं? ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होते। ओके जब कभी बोलता है तब लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होते हैं। हाउ मच टाइम डज अ हार्ट बीट रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली, तो एक हार्ट बीट को 0.8 सेकेंड चाहिए होते हैं शायद। द ऑर्डिनेंस इज इशूड बाय द गवर्नर आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय विच ऑफिस, तो स्टेट लेजिस्लेचर में होता है। हाईएस्ट वाटरफॉल आपकी एंजल फॉल्स है। हम्पी जो है ये तुंगभद्रा रिवर से सिचुएटेड है। वॉट इज कैरेक्टराइज एट मिलेट, तो सोरहम क्रॉप जो होती है मिलेट होती है। हु रोट द बुक प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम विश्वेश्वर ने ये बुक लिखी थी। ओके नॉन फेरस मेटल आपका कौन सा? एल्यूमिनियम है ऑब्वियसली, आपको पता है फेरस का मतलब आयरन होता है। वृद्ध गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है, गोदावरी। और अगर अर्धगंगा की बात हो रही है तो कौन सी नदी होती है, किसी को पता है? कावेरी। ओके विच रूलर फॉर द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इन विच ही वाज किल्ड, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की बात जब भी है तो आप लोग टीपू सुल्तान को याद कर लेना। ओके उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। इन विच एनिमल इज स्किन अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो आपको पता है कि जो फ्रॉग होता है इसमें स्किन आपकी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है। इन विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सक्लूसिव पावर्स एन्यूमरेटेड, तो यूनियन लिस्ट में ऐसा होता है क्योंकि तीन तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मतलब जो मिक्स्ड आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, स्टेट और सेंटर के बीच वाले। हु इज रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, तो ये बुक आपकी जगमोहन ने लिखी है। ओके लेक सांबर इज नियरेस्ट टू विच सिटी ऑफ राजस्थान, तो जयपुर के नियरेस्ट है। ओके ऑफ दिस टेरिटरी वॉज थर्ड कैरनाटिक वॉर एंडेड, तो पार्ट्स ट्रीटी, ये ट्रीटी का नाम है। विच ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल इकोनॉमी, तो SDR पहले बता चुका हूँ आपको। DC करंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय विच कॉम्पोनेंट, तो रेजिस्टेंस से कंट्रोल किया जा सकता है। मलेरिया पैरासाइट एंड अमीबा आर एंड विच, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मलेरिया होता है ये एक प्रोटोजोन ऑर्गेनिजम्स होता है। प्रोटोजोन बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं तो एक प्रोटोजोन ऑर्गेनिजम्स होता है, जैसे आपका हेपेटाइटिस ए है तो वो आपका वायरस से होता है। ऑल राइट जो आपका HIV एड्स है वो भी वायरस होता है। सिमिलरली इस तरह से जो आपका डेंगू होता है वो बैक्टीरिया से होता है, डेंगू इज अ बैक्टीरियल डिजीज। तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है ये आपको बस देखना था इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं। ये आप याद रख सकते हो, मलेरिया होता है एक प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म से होता है। ऑल राइट और बाकी कुछ याद नहीं रखना। बाउल्डर क्ले इज अ फीचर एसोसिएटेड विद दिस थिंग, तो ग्लेशियल डिकम्पोजिशन से रिलेटेड है। हु इज द ऑथर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अंत्योदया, तो ये विनोबा भावे ने लिखा है। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का मतलब आर्टिकल 17 की बात हो रही है, ठीक है। आर्टिकल 17 में इसका मेंशन है। लज्जा जो बुक है इट इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्सियल बुक, उसके राइटर कहाँ से थे? तो बांग्लादेश से थे। ओलंपिक में कौन सा गेम नहीं? क्रिकेट नहीं ऑब्वियसली, सबको पता है, होता तो इंडिया जीतता। इन विच डायरेक्शन ऑफ फ्लो स्ट्रीम इज कंट्रोल्ड बाय रॉक स्ट्रक्चर, तो कॉन्सिक्वेंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो। हु वॉज अ लीडर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया, तो लाला हरदयाल। सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर विच लिक्विड, सोडियम मेटल को केरोसिन के अंडर रखा जाता है। वाटर के अंडर क्यों नहीं, क्योंकि सोडियम आपको वाटर से रिएक्ट कर जाता है और फ्लेम्स बाहर आ जाती है, तो केरोसिन के अंडर स्टोर किया जाता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम आपके दोनों के दोनों। विच नेचुरली अकरिंग एलिमेंट इन द राइस हस्क मेक्स इट टर्माइट रेजिस्टेंट, ठीक है। तो सिलिकॉन जो होता है इसकी वजह से जो आपका राइस हस्क होता है इट इज टर्माइट रेजिस्टेंट, मतलब टर्माइट इस पर अटैक नहीं कर सकते। हु एडमिनिस्ट्रेट्स ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर ओथ ली जाती है। इन विच आइलैंड ऑफ इंडिया इज एक्टिव वोल्केनो फ्रंट, तो बैरन आइलैंड आपको पता है अंडमान निकोबार आइलैंड में एक्टिव वोल्केनो है एक। आगरा किसने फाउंड किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। विच फर्स्ट बैंक इज एस्टैब्लिश हुई, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपकी सबसे पहले एस्टैब्लिश हुई थी। इफ यू स्कोर्ड कैनन विच गेम यू वुड बी प्लेइंग, तो कैनन ऑब्वियसली बिलियर्ड्स के टर्म में जो टेबल होती है डंडे से मारते हैं वो आपको याद आ रहा होगा। हाउ इज इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना,
ह्यूमन आई तो रेटिना जो आपका होता है वो एक रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। कैसा क्यों करता है? बिकॉज इट इज़ अ बाई कॉन्वेक्स लेंस। और माइंड क्या करता है, इस इन्वर्टेड इमेज को, जैसे अगर इमेज आपकी इस तरह से फॉर्म हो रही है तो वो चेंज करके उसे इस तरह से प्रोजेक्ट कर देता है, तब हम चीज़ों को सही से इंटरप्रेट कर पाते हैं। ओके, द एनुअल वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज ओवर 50% इन विच स्टेट? तो वेरिएबिलिटी, रेनफॉल की वेरिएबिलिटी सबसे ज़्यादा राजस्थान में आपकी। आमिर खुसरो द पेट्रोट ऑफ इंडिया किस जगह में? पटियाली में बॉर्न हुए थे। ओके, विच ईयर हैज़ बीन नेम्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाई यूनाइटेड नेशंस? पुराना क्वेश्चन है, आपको देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी नज़र मान लीजिए आप आंसर पे। तो 2010 में ऐसा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं रखना आपको। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट जो आपका है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। ऑफ विच म्यूजिक कंपोजर्स वॉज डेफ? तो कौन से ऐसे म्यूजिक कंपोजर जो डेफ थे? तो बेथोवन एलवी डेफ थे आपके। ओके, ऑन विच डेट द अर्थ इज एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन? तो 3 जनवरी की बात जब होती है तो 3 जनवरी को ऐसा होता है दैट अर्थ इज एट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन। व्हेन डिड द बैटल विच इज द स्टोरी ऑफ महाभारत मोस्ट प्रोबेबली टेक प्लेस? तो अंदाजा ही लगा सकते हैं हम लोग। तो ये ऐसा माना गया दैट इट इज अ टाइम ऑफ अराउंड 1000 BC, महाभारत की लड़ाई जो हुई थी आपकी। ओके, विच इज द ओल्डेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? तो IFCI की बात हो रही है। आई ट्रेंट जो आपका स्मॉग में होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर आपका कहाँ सिचुएटेड है? आपका मेडुला ओब्लोंगेटा, शायद माइंड ब्रेन का कोई पार्ट है। विच पार्ट ऑफ अर्थ सर्फेस रिसीव द हाइस्ट अमाउंट ऑफ इंसुलेशन? तो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में ऐसा होता है। विच आर मैनुअल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ ब्रीफ रूल्स और सूत्रास? हु इज द हेड ऑफ नेशनल डिफेंस कमेटी? होम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ नेशनल डिफेंस कमेटी। फर्स्ट इंडियन टू बी अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन? तो रामानुजन की बात हो रही है, श्रीनिवास रामानुजन। प्रोफेसर अमृता सेन, ये आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आपको पता होगा पहले से। मिस्ट जो होता है कॉन्डेंसेशन की वजह से होता है, ठीक है। कॉन्डेंसेशन प्रोसेस क्या होता है आपको पता होगा। एट वेयर एन एग्जांपल ऑफ चोला आर्किटेक्चर की निर्मित थी? तो चोला आर्किटेक्चर आपका तंजौर में बहुत सारे टेम्पल्स हैं। हाउ इज द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल? तो डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर आपका है तो उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी लेस देन 1 होगी। ओके, काफ़ी डिटेल में जाना नहीं है इसमें। विच ग्लैंड इज पॉपुलरली नोन एज एडम्स एप्पल? तो थायराइड ग्लैंड जो आपका होता है, इसे एडम्स एप्पल कहते हैं। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया? सरोजनी नायडू। ओके, द इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन डिपेंड्स ऑन विच लाइन? तो लेटिट्यूड पर डिपेंड करता है, लॉन्गिट्यूड पर नहीं करता है। ओके, फेमस बैटल ऑफ ताकोलम, तो ये साउथ इंडिया में हुई थी बैटल, बहुत ही फेमस थी। इट वॉज बिटवीन चोलास एंड राष्ट्रकूटास। ओके, याद रख सकते हैं आप लोग। नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस टू विच बैंक? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आपकी जो है इसमें प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, क्रूसेड फॉर ह्यूमन राइट्स इज एसोसिएटेड विद विच नेम? तो जिमी कार्टर। विच नॉन टॉक्सिक गैस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स इन विच राइपन्स? तो ये आपको याद रखना है, एसिटाइलिन जो आपका होता है ये फ्रूट राइपनिंग में बहुत हेल्प करता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एसिटाइलिन ये केमिकल। विच डेजर्ट इज फेमस फॉर इट्स डिपॉजिट ऑफ नाइट्रेट? तो आटाकामा डेजर्ट में नाइट्रेट डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा है। ओके, नाइट्रेट्स। विच क्वीन एंजॉयड पॉलिटिकल पावर अलॉन्ग विद हर हस्बैंड? तो नूर जहाँ पॉलिटिकल पावर एंजॉय करी थी। अ फ्लावर बर्ड विच इज यूज एज अ स्पाइस इन विच प्लांट? तो क्लोव जो आपका होता है, आपको पता है इट इज यूज एज अ स्पाइस, और क्लोव एक फ्लावर बर्ड होता है। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कौन ऑपरेट करता है? आपका गवर्नर ऑपरेट करता है। एक कंसोलिडेटेड फंड होता है आपका, और एक आपका कॉन्टिजेंसी फंड होता है। तो अगर स्टेट का कॉन्टिजेंसी फंड है तो ऑब्वियसली गवर्नर ही उसे कंट्रोल करेगा। एक प्रेसिडेंट कंट्री के लिए वही होता है जो एक गवर्नर स्टेट के लिए होता है। ओके,
विच कंट्री हैज होस्टेड द एशियन गेम्स फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो थाईलैंड ऐसी कंट्री है जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स होस्ट किया है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? तो यूएसए आपकी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसमें कुछ सरप्राइजिंग बात भी नहीं है। विच इंग्लिश मैन वॉज ऑनर्ड बाई जहांगीर एज द टाइटल ऑफ खान? तो विलियम हॉकिंस को टाइटल दिया गया था। ओके, बाई हुम वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया में? तो विश्वेश्वर है, आपको पहले बता चुका हूँ मैं। आउटर एज ऑफ रेनबो, तो आउटर एज ऑफ रेनबो अगर आपको कभी बताने तो पैटर्न क्या होता है, वाइब ग्योर होता है, WIBGYOR। इसमें रेड लाइट जो होती है सबसे कम स्कैटर होती है, वॉयलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है। तो आउटर एज में आपका रेड पार्ट होता है, आर माने रेड। और कोई पूछे कि अगर लीस्ट सबसे नीचे कौन सा होता है तो वॉयलेट होता है आपका, और बीच में आपका कौन सा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ओके, जिस कलर से मैं लिख रहा हूँ। अजोला इनाबा इज यूज एज फर्टिलाइजर इन ग्रोइंग अ विच क्रॉप? तो राइस क्रॉप में ऐसा यूज होता है। ओके, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड? तो यूरोप, ऑब्वियसली यूरोप में बहुत कंट्रीज हैं और लोग तो और भी ज्यादा हैं। हु हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश सिविल सर्विस इंडिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आपके हैं, ये आपके सिविल सर्विसेज के फादर माने जाते हैं इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट की अगर मौत हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट कब तक ऑफिस में संभाल सकता है? 6 महीने तक, मतलब आधे साल तक। ओनली क्रिकेटर टू स्कोप सक्सेसिव सेंचुरीज इन अ वर्ल्ड कप? तो राहुल द्रविड़ ऐसे हैं जिन्होंने कमाल किया, हालांकि अब शायद रोहित शर्मा भी आंसर हो गया, आई एम नॉट श्योर, बट फिलहाल के लिए राहुल द्रविड़ ने किया है ऐसा। ओके, हु ट्रांसलेटेड ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी इन हिंदी? तो लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसा किया था। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द मिडिल ईस्ट बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ पीपल? तो मेडिटेरियन। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1848 में आपका स्टार्ट हुआ था, पहली चीज तो ये। और किसने स्टार्ट किया था? डलहौजी ने। ओके, गलती से यार ये पिंक कलर आ गया, अब चेंज तो कर नहीं सकता, बीच में चलने दे देते हैं। आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय एसिटिक एसिड एंड मिथाइल फॉर्मेट? तो मैंने आपको बताया था कि अब आइसोमेरिज्म याद तो करने आप जा नहीं सकते, बहुत सारे टाइप्स बताते हैं मैं आपको। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आप याद रख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है। हालांकि इनके स्ट्रक्चर मैं भी ना बना पाऊँ शायद, बट सरप्राइजिंग बात है कि मैं खुद केमिकल इंजीनियरिंग से आपकी बीटेक कर रहा हूँ। हाउ मेनी पेयर ऑफ नर्व अराइसेस फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम? तो 31 पेयर ऑफ नर्व अराइसेस। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स? तो जो आपकी इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है ये किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इनिशिएट किया जा सकता है। ओके, हालांकि सहमति आपकी दोनों हाउस की होनी चाहिए। दिस सॉइल फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉड बाय रिवर्स? तो एलुवियल सॉइल जो होता है उसमें ऐसा होता है। देखिए वैसे एसिटिक एसिड तो मेरे को पता है क्या होता है, इतनी थोड़ी बेइज्जती वाली बात हो गई। CH3COOH होता है आपका, ठीक है। अब फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म आपका क्या होता है कि अगर आपके पास केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, सेम केमिकल फॉर्मूला, बट जो अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम है या फिर अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप है जो आपके एटम से अलग तरीके से अरेंज करेंगे। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर मैं इस तरह से अरेंज कर दिया किसी एक चीज़ को और दूसरी चीज़ मेरी इस तरह से अरेंज है, तो अब कहने को तो फंक्शन ग्रुप मेरे अलग हो, क्योंकि यहाँ मेरा एसिडिक फंक्शनल ग्रुप आ गया और यहाँ मेरा कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो दोनों है तो एक्चुअल में डिफरेंट और डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी शो करेंगे, बट प्रॉब्लम इस कि दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, तो इसलिए आइसोमर्स आइसोमर्स हो गए एक दूसरे के। और मैंने किस कैटेगरी में डालूंगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ओके, एंड अगर यहाँ पे ब्रांचिंग की वजह से ऐसा होता तो मैं उसे ब्रांचिंग आइसोमेरिज्म कहता हूँ। ऑलराइट, बहुत तरह का आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, मेटामेरिज्म हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैं आपको नहीं बताना चाहता ताकि आप लोग परेशान हो जाएंगे फालतू में, रेलेवेंट है भी नहीं और दोबारा नहीं आएगा मेरे से मान के चलिए। वाय वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन अर्बन? बिकॉज इट वॉज अर्बन। ओके, रोलिंग प्लान आपका कितने साल के लिए था? मेरे हिसाब से 2 साल के लिए था, फिर एक साल के लिए को चेक कर लेना, आई थिंक इट इज 2 ईयर्स रोलिंग प्लान जो आपका आया था। हु क्रिएटेड द अनफॉरगेटेबल लिटरेरी कैरेक्टर स्वामी? तो स्वामी जो कैरेक्टर है आपका आर के नारायण ने फॉर्म किया था। वेन वॉट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट वेन थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड? तो आपका एक्सेलरेशन ही आपका कॉन्स्टेंट रहता है, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होती है, और वो एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर होता है, आपका अर्थ की एक्सेलरेशन स्मॉल जी के बराबर है, वो आपका डेक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन के लिए आपको हमेशा याद रखना है
कि जब भी कोई चीज़ आप फेंक रहे हैं, ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी तो आपकी कम होती जाएगी एज द थिंग मूव्स ऑन, बट उसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रहेगा. ओके, विच सॉइल इज़ वेरी हार्ड टू कल्टिवेट, तो सैंडी सॉइल में कल्टिवेशन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें इतना पानी नहीं होता है. ओके, हु इज़ विच इज़ द गॉड हु इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा, तो ऋग्वेद में आपका इंद्र देव का बहुत जिक्र किया गया है. विच इज़ कंसिडर्ड एज अ सेल विद इन अ सेल, तो गोल्जी अपैरेटस होता है ये. ओके, इसकी बात हो रही है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी कब आई थी? 1946 में आई थी, मैंने आपको पहले बताया. 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई थी, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा. वेस्ट अफ्रीकन मॉनिटरिंग इकोनॉमिक यूनियन कब फॉर्म हुआ था? 1994 में, पहले भी बता चुका हूँ आपको, रिपीट हो रहा है अभी. व्हाट इज द नेम ऑफ स्केल मेंट फॉर रिकॉर्डिंग वेदर कंडीशन? तो अब इंडिया में तो हम लोग डिग्री सेल्सियस ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट बाहर आपका फ़ारेनहाइट बहुत यूज़ किया जाता है. ओके, टू हुम इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म इन टू चाइना ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड? तो इस पर्सन ने ऐसा किया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच ईयर वर प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स इंडिया परमिटेड? तो 1993 की बात हो रही है, परमिट कर दिए गए थे. इथाइलिन गैस रिएक्ट्स विद सल्फर मोनोक्लोराइड टू फॉर्म विच गैस? मेरी खुद की हालत ख़राब हो गई देख के, बट आंसर चाहें तो रट सकते हैं, मस्टर्ड गैस. कोई एक्सप्लेन करने को ना बोलना क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है ये कैसे हुआ. अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी इज नोन बाय विच नेम? तो नेफ्रॉन. तो किडनी की जो आपकी किडनी होती है, ह्यूमन किडनी, इसका काम होता है फिल्ट्रेशन का. ओके, और इसकी जो फंक्शनल यूनिट होती है, याद रखना, जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन होती है. ईच नेफ्रॉन फंक्शंस इंडिविजुअली, और एक बहुत सारे जब मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मिलते हैं तब जाके किडनी का फंक्शन करते हैं वो. ओके, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द इंक्रीज लेवल ऑफ एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड? तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ऐसा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है. वो अकॉर्डिंग टू जेन्स इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो ऋषभा आपके फाउंडर ऑफ जैनिज्म है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजन एट वेरियस प्रोविजन कंसिडर्ड बाई कंसेंस, मतलब आपसी सहमति से जितने फैसले वो सब लिए गए थे. हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक? तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के टोटल 78 मेंबर्स हैं. अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज हैं. ओके, सुशील कुमार इज एसोसिएटेड विद रेसलिंग, बच्चे बच्चों को पता है. 21 जून को डे लाइट इज सीन फ्रॉम नॉर्थ पोल फॉर हाउ मेनी आवर्स? तो 21 जून को ऐसा होता है कि नॉर्थ पोल से 24 घंटे तक आपका सूरज दिखता रहता है. ओके, सेकेंड अलेक्जेंडर किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो अलाउद्दीन खिलजी को आपका सेकेंड अलेक्जेंडर बोला गया है. ठीक है ना गाइस, तो अगले क्वेश्चन लगाते हैं. अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ पावर ऑफ पी इन द एयर, इफ इट इज इमर्ज्ड इन वाटर देन व्हाट विल बी इट्स पावर? तो देखिए, पावर आपका क्या होता है? पावर का मतलब होता है कन्वर्जिंग कैपेसिटी जो है आपकी लेंस की. अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप उसे एक डेंजर मीडियम में डालेंगे, ओके, जैसे कि वाटर आपका डेंजर मीडियम है कंपेयर टू एयर, तो उसकी जो कन्वर्जिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है, हेंस उसकी जो पावर है वो भी कम हो जाती है. बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं खैर इसके पावर का आपका, बट उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ. बस आप ये याद रख सकते हैं कि वाटर में जब भी आप डालेंगे लेंस को, तो उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी. ओके, द इंटरनल सिलेक्शन ऑफ विच एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन सीक्रेशन ऑफ विच एसिड? तो आपको पता है कि HCl की वजह से डाइजेशन होता है. रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? इलेक्शन कमीशन, आपको चुनाव आयोग. इफ अ प्लेस इज लोकेटेड 20 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट, इन विच कॉन्टिनेंट डज इट लाई? तो हालांकि बहुत ही अच्छी नॉलेज है आपको बताने के लिए, बट आप रफ आइडिया मार सकते हैं कि एशिया में होगा, मैप को अगर आप इस तरह से मान के चलें. क्योंकि 20 डिग्री नॉर्थ, आप होता क्या है कि आपका 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री नॉर्थ में अगर आप बात बात कर रहे हैं, तो मतलब एकदम सेंटर से जो लाइन पास करे इक्वेटर, आपको पता है जो एशिया है वो रफली थोड़ा सा इस तरफ है आपका, क्योंकि इंडिया आपका एकदम इस साइड है लोएस्ट पॉइंट पर. आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ से पास करता है, तो आप ये कह सकते हैं रफ आइडिया से कि एशिया आपका कहीं कहीं यहाँ पर होगा, और अच्छा गैस आपका एशिया ही होगा इस केस में. ठीक है, और ईस्ट की बात हो रही है तो आप क्लियरली आप ये मान सकते हैं कि मैं एशिया की तरफ ही आ रहा हूँ. ठीक है ना, क्योंकि अगर आप 0 डिग्री ईस्ट पे होते तो आप ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब जो आपका लंदन से पास होता है वहाँ पर होता. अब आप 80 डिग्री ईस्ट में आ गए, ठीक है, तो अब अच्छा जो गैस होगा वो एशिया ही होगा इस आंसर का. ठीक है, हु वॉज अ पाला रूलर हु वॉज रेज टू थ्रोन बाई डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल? तो गोपाल जो थे, इनको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ लोगों ने सपोर्ट किया था. ठीक है, अमीर गरीब इस तरह से.
विच टैक्स इज पेड बाय पर्सन ऑन हुम द टैक्स इज इंसिडेंट, तो डायरेक्ट टैक्स इसका आंसर। जसपाल राणा शूटिंग से रिलेटेड है। वेल्डिंग इंडस्ट्री में क्या यूज़ किया जाता है, एसिटाइलिन यूज किया जाता है। वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड इन द 19th century, तो पेंसिल्वेनिया में टिटुसिफिल्स एक प्लेस है, यहाँ पे सबसे पहला ऑयल वेल को ड्रिल किया गया था। विच वॉज अ नोवेल्टी इन शाहजहाँ बिल्डिंग्स, तो मकराना मार्बल आपको यूज किया गया था, ओके, शाहजहाँ के बिल्डिंग्स में। कंपेनियन सेल्स आर यूजली सीन विद विस्ट्यूब तो सीव ट्यूब्स के संग। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी कौन सी, प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट लेडी गवर्नर सरोजनी नायडू। हाईएस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपका ये जो है रोंगटोंग, या कहाँ पे सिचुएटेड, बीजिंग में सिचुएटेड है। टोबैको इंट्रोड्यूस कब किया था कल्टिवेशन, जहांगीर के टाइम पे सा हुआ था। बैंकर चेकअप क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है। नाइट विजन अपैरेटस के आपका इंफ्रारेड यूज करते हैं। विच टिश्यू इन सेल्स हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, परमानेंट टिश्यू जो आपके होते हैं वो सेल डिवीजन नहीं कर सकते, ओके। 17th पैरेलल जो आपका ये 17th पैरेलल आप कुछ याद रखने हैं, जैसे 17th पैरेलल जो आपका है ये आपका पहले क्वेश्चन आ चुका है, और ये नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के बीच में है, ओके, फिलहाल के लिए इतना याद रख लीजिए, ठीक। बहुत सारे हालांकि 10-12 ऐसे डिवीजन होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, धीमे धीमे पता चल जाएंगे सब। वो एस्टैब्लिश द फर्ग्यूसन कॉलेज एट पुणे, तो डेकन एजुकेशन सोसाइटी जो है इसने फाउंड किया था, और कब फाउंड किया था, 1885 में, और कांग्रेस भी आपकी 1885 में फाउंड हुई थी, और ये बात हो रही है पुणे की, ओके। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय हुम, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका अपॉइंटमेंट करता है। बाय हुम वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया स्टार्टेड, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर। हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड पोस्टल यूनियन, तो स्विट्जरलैंड में आपका वर्ल्ड पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर, और वर्ल्ड पोस्टल डे आपका 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन, तो मडागास्कर आपका आइलैंड सबसे बड़ा है इंडियन ओशन में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच में हुई थी, महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में, ओके, याद रखना ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्वीन ऑफ स्पाइसेस क्या आपका, कार्डमोम। डेसिमल कॉइनेज आपका कब आया था, इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद आया था, इंडिपेंडेंस आपका 1947, और डेसिमल कॉइनेज आपका 10 साल बाद, मतलब 1957 में आया था, ओके, ऐसे आप याद रख सकते हैं। मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग पीएम ऑफ इंडिया 25 ईयर्स, वेरी यंग एज, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। विच प्लेस रैंक्स अमंग द सेकेंड अमंग द कोल्डेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, तो द्रास जो प्लेस है, ये क्वेश्चन आपका इस साल भी सीजीएल में आया था कि जो इंडिया में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है, द्रास जम्मू एंड कश्मीर, ओके। ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच डायनेस्टी कालिदास फ्लरिश, तो कालिदास जो थे आपके गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे फ्लरिश किए थे, ओके। विच रेडिएशन कैरीज मैक्सिमम एनर्जी, तो गामा रेज में आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। बिल्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ सेंट्रल बैंक का सेल एंड परचेज, और ट्रेड बिल्स की बात हो रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO आपका कब आया था, 7 अप्रैल को, और ईयर की बात हो रही है 1948, ओके। विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन क्लाइमेट, तो ओशन करेंट्स इन्फ्लुएंस नहीं करता है। लक्ष्मण ईरा स्टार्ट हुआ था इस टाइम पे, इट वॉज कौन सी डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था, सेंस डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था। लंग्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं आपके, थोरेसिक कैविटी में आपके सिचुएटेड होते हैं। राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 21 में। फ्लक्स रिएक्ट्स विद इम्प्योरिटीज टू फॉर्म अ फ्यूजिबल मटेरियल, और ये जो चीज़ है जो आपका फ्यूजिबल मटेरियल फॉर्म होता है इसको हम लोग स्लैग कहते हैं, केमिस्ट्री मैंने पढ़ा था, मेरे को याद है, हल्का हल्का याद आ रहा है। वाटर वेपर इज टर्न इंटू कंडेंसेशन बाय विच प्रोसेस, टर्न इंटू वाटर ड्रॉपलेट्स बाय कंडेंसेशन प्रोसेस होता है आपका। कंडेंसेशन का मतलब होता है आपका जो गैस फॉर्म है वो लिक्विड बन जाए। हु अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट इज बिलीव टू बी द नेक्स्ट इंकर्नेशन ऑफ बुद्धा, तो जो कल्कि होगा वो अगला बुद्धा का रूप होगा, आप ये कह सकते हैं गौतम बुद्ध का, ओके। वेयर डिड इंडिया प्ले इट्स फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल मैच, तो हेडिंग्ले में इंडिया ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था, ओके। विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, SBI की बात हो रही है।
इफ सी ओ टू कॉन्सेंट्रेशन ब्लड्स इंक्रीजेस वॉट विल ब्रीदिंग, तो आपकी ब्रीदिंग भी इंक्रीज कर जाएगी. इफ द ड्यू पॉइंट इज बिलो फ्रीजिंग इट इज रेफर टू एज विच पॉइंट, तो फ्रॉस्ट पॉइंट की बात हो रही है. फ्रॉस्ट माने कोल्ड. रेलिक्स ऑफ बुद्धा कहाँ प्रिजर्व करेंगे? स्तूपा में. हाउ इज द सेंसरशिप ऑफ प्रेस जस्ट? बाय द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस विच इज प्रिंटेड ऑन अ कॉमनली यूज फ्लोरेसेंट लाइट, तो ये चीज़ प्रिंट करी जाती है. प्रकाश पादुकोण किस चीज़ से रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है. जोंडा जो आपकी एक हॉट विंड है. ओके. बाय ट्रेडिशन विच लेक्सिकोग्राफर अमृतशाला वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच पोएट? तो आम्र शर्मा ये आपके कालिदास के कंटेम्प्रेरी. ओके. इंडियन फुटबॉल टीम मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस इन ओलंपिक्स इन 1948 की बात है, वो बहुत ही फेमस इंसिडेंट था. ओके. इन विच ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन? तो लीवर में कार्बोहाइड्रेट एज ग्लाइकोजन स्टोर होता है. पंचायती राज इंडिया, इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? 1959 में. और राजस्थान की बात है, ठीक है. सबसे पहले राजस्थान में इंप्लीमेंट हुआ था. हॉट ड्राई लोकल विंड्स ब्लो ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ एल्प्स माउंटेन, तो फोहिन विंड्स जो हैं इनकी बात हो रही है. विच वर्क इज एक्राइब टू द फेमस पोएट राजशेखरा? तो ये जो वर्क है कपूर मंजारी, ये इनसे रिलेटेड है, पोएट राजशेखरा से. विच एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? तो जिंक जो होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, शायद प्लस टू होता है. ओके. विच बैंक इज द बैंकर ऑफ बैंक्स? आरबीआई. लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया, गोंडा कम्युनिटी जो है लार्जेस्ट है. विच टाइप ऑफ कोल रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल? तो पीट कोल जो है, और बहुत ही लो क्वालिटी का कोल होता है, ठीक है. ये पहला स्टेज होता है फॉर्मेशन का. विच सिक्स गुरु फॉट मुगल्स? तो गुरु गोविंद सिंह ने लड़ाई करी थी मुगल से. ओके. विच नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया इज फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट? तो राइबोसियम जो आपका है, राइजोबियम, ये फाउंड किया जाता है, ठीक है. अ पर्सन टू बी क्वालिफाइड स्टैंडिंग अ पंचायत इलेक्शन, एज उम्र पूछी गई आपसे 21 साल है पंचायत के लिए. मिराज जो आता होता है आपका, ये रेगिस्तान वगैरह में हो जाता है, ये एक फिनोमेना होता है. किस पे बेस्ड होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, TIR. लाइट आपकी जैसे ऐसे आ रही होती है और ये सर्फेस होता है, तो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरह से. आदमी को लगता है कि रेगिस्तान में कि यहाँ पे कोई नदी है, जबकि ऐसा नहीं होता है. ओके. विच इज द वॉट इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसिड इग्नियस रॉक्स? और ग्रेनाइट है. अर्जुन देव सिक्स गुरु जो थे, ये जहांगीर के टाइम पे किल कर दिए गए थे. इन विच स्टेट इज रागानाथ थीटू बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड? तो कर्नाटका की बात हो रही है. पार्टिसिपेटरी नोट्स आर एसोसिएटेड विद विच इन्वेस्टर्स? तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं इनसे एसोसिएटेड. विच फंगस मेक्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट? तो ये आपका फंगस होता है. विच आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो फाउंड? तो बैरन आइलैंड में ऐसा है. ओके. अलीपुर बॉम केक जो था, इसमें औरबिंदु घोष आपके इन्वॉल्व थे. विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये आपको याद रखना है कि ये हिदायतुल्ला जो जी थोजे, ये आपके ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं. ओके. एट विच डिग्री सेल्सियस वाटर की हैज मैक्सिमम डेंसिटी? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है. एक एनोमेली होती है डेंसिटी उसमें, जैसे आपकी वैसे तो डेंसिटी डिक्रीज करती है, बट 0 डिग्री से 4 डिग्री तक आपकी डेंसिटी इंक्रीज करती है. ऑलराइट. उसके बाद फिर डिक्रीज करने लगती है. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफेरेशन ट्रीटी केम इन टू फोर्स इन विच ईयर? 1970 की बात हो रही है. विच सिटी विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन? तो श्रीनगर में ऐसा कभी नहीं होगा. ऑन हू वॉज अ टाइटल पंजाब केसरी कन्फर्ड? तो लाला लाजपत राय को टाइटल मिला था. नेशनल रिसर्च सेंटर एट प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है. वेस्टिजियल ऑर्गेन मैन में कौन सा है? तो मसल्स ईयर लोब जो आपका है ये है. विच वॉज द ओनली प्रेसिडेंट हु वॉज इलेक्टेड अनओपोज? तो नीलम संजीव रेड्डी, आपको पहले बता चुका हूँ. लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया, तो इंडिया में कोल रिजर्व आपका झारखंड में बहुत है और इसीलिए माइनिंग भी यहाँ की बहुत फेमस है.
विच सुल्तान प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड, तो फिरोज शाह तुगलक ने एम्प्लॉयमेंट दिया था. ओके. क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर इज मिनिमम फॉर विच कलर, तो वायलेट के लिए होता है. अब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला भी बहुत लंबा चौड़ा होता है, वो मैं बता के आपको वेस्टिंग करना चाहता हूँ, बट आपको ये रखना है कि मिनिमम आपका क्रिटिकल एंगल किसके लिए होता है, वायलेट के लिए होता है, और मैक्सिमम किसके लिए होता है, रेड के लिए होता है, क्रिटिकल एंगल की बात अगर हो रही हो तो. ठीक है. एंड विद हुज असिस्टेंस वॉज बोकारो स्टील लिमिटेड एस्टैब्लिश, तो बोकारो स्टील लिमिटेड जो है आपका, इसमें सोवियत यूनियन ने हेल्प करी थी एस्टैब्लिश करने में इंडिया की. ओके. सोवियत यूनियन. वेयर वर द 1996 ओलंपिक गेम्स हेल्ड, तो 1996 के ओलंपिक गेम्स जो आपके थे ये आपके कहाँ पे हेल्ड हुए थे, एटलांटा में. फरक्का बैराज क्यों कमीशन किया गया था, टू सेव द कोलकाता पोर्ट. इन द सल्तनत पीरियड विच वॉज द हाइस्ट रूलर अथॉरिटी फॉर लैंड रिव्यू, तो ये थी आपकी चौधरी. वॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट, तो एक आपका 10% लॉ होता है. इसका कहना ये कि अगर जो भी आपकी फूड चेन होती है, इस फूड चेन में 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर. ओके. तो 10% आपका आंसर है, 10% लॉ आपको याद रखनी है. इन होम डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेज द रेसिड्यूरी पावर, तो ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था इसके अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल पे मिल गई थी जो रेसिड्यूरी पावर्स थी. ओके. पीओपी का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, तो CaSO4.2H2 आपका शायद होता है, ये पीओपी का फॉर्मूला होता है. ओके. व्हाट इज कॉल्ड हेरिंग पॉन्ड, तो अटलांटिक ओशन को आपका हेरिंग पॉन्ड बोला जाता है, कॉमन नेम. विच वॉज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेदर वेटेगेज वेदेगेज, तो कास्ट सिस्टम आपका. ओके. इसका आंसर है. ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, और भी कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ. ओके. देखिएगा, जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चन बताता रहा हूँ, इसी तरह से आपको इन क्वेश्चन पे भी नज़र मार लेनी है. ठीक है. सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया, आप इनमें एक बार देख सकते हैं, बस ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करनी है, याद करेंगे भूल जाएंगे, मेरे को खुद याद नहीं होते. आप बस इन्हें एक बार देख लीजिए. ठीक है. ज़्यादा नहीं, बस 10-12 स्लाइड लगाऊँ मैं, आपको उतनी देखनी है. ठीक है. उसके बाद हम अगले पार्ट में ले लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बचेंगे आपके सारे आपके इस तरह कवर हो जाएंगे. थोड़े मैं करवा देता हूँ, थोड़े आप अपनी साइड से कर लीजिए. आप इसे होमवर्क की तरह ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे. ठीक है. बस एक बार आपने नज़र मार लेनी है. ठीक है. मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्लाइड लगा देता हूँ, और कभी भी टेंशन तो कभी नहीं लेनी जीके की. भाई आपको खुद ही पता होगा, इतनी सारी चीज़ें जितनी याद हो जाए उतनी बहुत है. ठीक है. और पीडीएफ की दिक्कत नहीं है, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा जैसे सीरीज कंप्लीट होगी. सारी वीडियो कंपाइल करके 10 घंटे की वीडियो बना दूंगा, या 8-10 घंटे जितनी भी देर की बनेगी, और उसी की डिस्क्रिप्शन में आपकी पीडीएफ डलवा दूंगा. ऑल राइट. दिक्कत ना लेना आप लोग, कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ मैं. बस हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, थोड़ी सी और ये सीरीज रह गई है. ठीक है ना, तो थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं आप लोग चाहें तो.